वहत सहन भुनक्त सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम बात करेंगे कि हमारा नैतिक चारित्रिक सांस्कृतिक पतन क्यों हुआ। इसके बहुत से कारण हैं, इसमें एक मुख्य कारण है पश्चिम का अंधा अनुकरण। हम किसी की अच्छी बातों का अनुकरण करने का कभी विरोध नहीं करते हैं। ज्ञान का आलोक कहीं से भी आए हमको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक, फिर हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारा सामाजिक ढांचा, इस सब में हम हर बात में अंधे होकर के पश्चिम का अनुकरण करें तो यह तो बहुत शर्म और अपमान की बात है, बहुत आत्मग्लानी की बात है। किसी भी राष्ट्र की पहचान वहां के लोगों की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां के लोगों के आचरण से होती है। तो हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी एक तहजीब है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक सभ्यता है, हमारे कुछ आदर्श हैं, हम उनका पालन करेंगे तो ही हम भारतीय कहलाएंगे। माना कि अपने यहां भी परंपराओं में अंधानुकरण उचित नहीं है, कि हमारे यहां पर यदि भ्रूण हत्याएं होती थी तो हम भ्रूण हत्याएं करेंगे, हमारे यहां पर दहेज लिया जाता था तो हम लेंगे। ये मध्यकाल में कुछ पतन हुआ हमारे यहां पर, अपने भी पूर्वजों की गलत मान्यताओं का हम अंधानुकरण करने के पक्षधर नहीं हैं। यदि मध्यकाल में हमारे पूर्वज यदि बलि देने लगे तो हम बलि प्रथा के पोषक नहीं हैं। यदि मध्यकाल में छुआछूत पैदा हो गया, ये पश्चिम से नहीं आया, ये हमारा पैदा किया हुआ है, तो अपनी संस्कृति में भी, अपने समाज में भी, अपने सामाजिक ताने बाने में भी जो अवैज्ञानिक है, जो अमर्यादित है, जो अव्यवहारिक है, जो अमानवीय आचरण है, हम उसका अंधानुकरण नहीं करते। जैसे मैंने कहा बलि प्रथा, जैसे किसी के पूर्वज यदि किसी के समाज में शराब पीने की आदत पड़ गई तो क्या हम शराब पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो कुछ चीजें जो हमने पश्चिम से ले ली उनका अंधानुकरण, कुछ चीजें अपने यहां पर हमने पैदा की अज्ञान से, अविवेक से, स्वार्थ से, उन सब का हमको अंत करना है, हमको एक सभ्य समाज बनाना है। पश्चिम का अंधानुकरण चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, चाहे वह वेशभूषा के स्तर पर हो, चाहे वह भोजन के स्तर पर हो, चाहे वो भेषज के स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक ताने बाने के स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक ताने बाने के स्तर पर हो, वो उचित नहीं ठहराया जा सकता। जैसे हमारी परिवार व्यवस्था, विवाह व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है, हमको उसी का अनुकरण करना चाहिए। जैसे प्रणाम करने की हमारी जो परंपरा है, हम क्या बोलते हैं मिलते हैं तो नमस्ते, ये हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब पूरी दुनिया में कोई भारतीयों को देखता है और विदेशी लोग हमसे प्रणाम करता है तो वो एक ही शब्द जानता है, नमस्ते जी। नमस्ते बोलो तो उसको पता है कि नमस्ते बोलने की जो तहजीब है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो भारत की है। और ये सांस्कृतिक एकता भी अपने यहां पर भी जरूरी है, लेकिन मैंने कहा
हम अब पढ़े लिखे हो गए ना तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, अच्छा एक तो सर, हाँ और भी पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ संबोधन के स्तर पर, अभिवादन के स्तर पर, जन्मदिन के स्तर पर। जन्मदिन हमारे यहां जात कर्म संस्कार यज्ञ के साथ ही होता था, जन्मदिन मनाया भी जाता था यज्ञ के साथ। अब क्या करने लग गए हम, पहले यज्ञ करके बाद में दिए जला करके जन्मदिन मनाते थे, अब क्या करने लग गए मोमबत्ती जलाई और बाद में बुझा दी, भगवान मेरी ज्योत जल्दी बुझ जाए जीवन की, मर जाएंगे तो दिए जलाएंगे। आपने देखा होगा मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं तो फिर मोमबत्तियां जलाते हैं, मरेंगे तो दिए जलाएंगे और जिंदे रहेंगे तो बुझाएंगे। ये बताओ इसमें कौन सा तर्क है, कौन सा विज्ञान है। अब फोन उठाते ही हर एक बोलता है हेलो, अब उसको पूछो कि हेलो का मतलब क्या है, कुछ नहीं, अरे ओम बोलो, भगवान का नाम ही बोल दो, ओम बोलोगे तो अच्छे वाइब्रेशन उस तक जाएंगे। ऐसे भी मोबाइल में और फोन में, कम से कम मोबाइल में तो बहुत ज्यादा खराब वाइब्रेशंस जाते हैं, जब आप जो इसकी विकिरण होता है ना वो बहुत खराब होता है और उससे ब्रेन ट्यूमर और दूसरी चीजें पैदा होने की संभावना ही रहती है। तो आप मोबाइल पर हेलो क्यों बोलते हो, कोई उत्तर नहीं है। आपस में जब मिलेंगे तो बोलेंगे हाय, क्यों बोलते हो हाय, बोले विदेशों में बोलते हैं। ऐसे ही हर प्रसंग में हमने कहीं ना कहीं विदेशों का अनुकरण उसको स्वीकार कर लिया है। नववर्ष अपना भूल ही गए, समय आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, भूल ही गए। अपनी अपनी भारतीय भाषाओं में संख्या लिखना हमको आता ही नहीं है, नववर्ष कब आया कब खत्म हो गया, बस नववर्ष मना रहे हैं, किसको, 1 जनवरी को, और जन्मदिन भी रात को 12 बजे मना रहे हैं। ये और नया बखेड़ा शुरू हुआ, पता नहीं कहां से नई नई चीजें सीख लेते। हर बात में पश्चिम का अंधानुकरण, पश्चिम का हस्तक्षेप, नामकरण से लेकर के एक दो चीजें तो छोड़ी हुई हमने, अभी वापस कुछ कुछ लौट आए हैं, अंत्येष्टि अपने अनुसार ही कर लेते हैं। अग्नि में जलाना यह सबसे वैज्ञानिक है दाह कर्म, अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कार हमारे थे, पंचमहायज्ञ हमारे थे, माता पिता को हम प्रणाम करते थे, झुककर के प्रणाम करते थे। अब झुककर के प्रणाम करने में लोगों को शर्म आती है, अब तो ऐसे ही हाथ हिला देते, टाटा बाय बाय हाय हाय। हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हैं, बाबा जी को टाटा बोलो तो, मैंने कहा टाटा मारोगे क्या, अब बच्चों को सिखाते हैं बाबा जी को हाय करो तो, बाबा जी को टाटा करो तो, और छोटा सा बच्चा वो ऐसे करता है, फिर उसको बाद में फिर उसको भी नहीं पता लगता है टाटा का मतलब क्या है। बस तो आज हमारे जीवन में कहीं पश्चिमी संस्कृति रस बस गई, हमने उसके पर ध्यान नहीं दिया। तो आज भाई राजीव जी से मैं कहूंगा कि एक एक बात को जो हमारे जीवन में पश्चिमी संस्कृति रस बस गई है, अज्ञान के कारण से, अंधानुकरण के कारण से, अविवेक के कारण से, आत्मग्लानी के कारण से, उसको हमें उखाड़ फेंकना है। हमें हर स्तर से अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने मूल्य, अपने आदर्शों का पालन करना है, तब हम एक सच्चे भारतीय कहलाएंगे। अन्यथा देखने में हम भारतीय हैं और विचारों के स्तर पर, मान्यताओं के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, सभ्यता के स्तर पर, आचरण के स्तर पर हम यदि विदेशी हो जाते हैं तो फिर यह अपने लिए आत्म गौरव नहीं, आत्मग्लानी की बात है। कि पश्चिम के लोग जो है शादी नहीं करते तो हम भी बिना शादी के ही रहेंगे, पश्चिम के लोग जो है वो समलैंगिकता के दुराचार और व्यभिचार में डूब गए इसलिए हम भी वही करेंगे, ये तो बहुत
बेशर्मी वाली बात है, यह तो अपमान वाली बात है। तो आज हमें अपने वैयक्तिक जीवन, अपने पारिवारिक जीवन, अपने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में जहां जहां हमने पश्चिम का अंधानुकरण किया है उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है और एक सच्चे अर्थों में सच्चे भारतीय बनकर के आपको दिखाना है। भाई राजीव जी। परम पूजनीय स्वामी जी, सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत स्वाभिमान का अभियान जो चल पड़ा है, आप सभी इसमें सहयात्री हैं, सहयोगी हैं, इस अभियान को चलाने वाले सेनानी हैं, अपने सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं। इस अभियान की मदद से हम संपूर्ण भारत देश में कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं जो पिछले कई सौ वर्षों की हमारी गुलामी के दौरान निर्माण हुए हैं। उन्हीं में से एक गंभीर प्रश्न है हमारे सांस्कृतिक अधःपतन का, हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत स्तर के पतन का। आप सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लगभग 250 वर्षों तक, और अंग्रेजों के पहले भारत पर थोड़े समय के लिए फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा, थोड़े समय के लिए डच लोगों का प्रभाव रहा, और भारत के एक इलाके पर जिसको हम केरल कहते हैं और गोवा कहते हैं, इस एक इलाके पर लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का प्रभाव रहा। और सिर्फ प्रभाव ही नहीं रहा, पुर्तगालियों का शासन भी रहा 450 वर्षों तक गोवा और केरल के मलाबार एरिया में। तो ऐसे ये पिछले 450 वर्षों का जो हमारा समय बीता है, ये बहुत खराब समय है हमारे देश का। इसके पहले भी अपने भारत देश पर जो विदेशी हमले हुए, जो 7वीं-8वीं शताब्दी से शुरू हो गए मोहम्मद बिन कासिम के समय से, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी, फिर महमूद गजनवी के बाद हमारे देश में तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, फिर उसके बाद हमारे देश में बाबर और बाबर के बहुत सारे वंशज, ये समय भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहा हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता के अनुसार या संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से। अगर देखा जाए तो पिछले 1300 वर्ष का जो समय बीता है भारत का, वो सांस्कृतिक और सभ्यता की दृष्टि से खराब समय है, कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। अर्थ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अन्य समाज व्यवस्थाओं को छोड़ दें, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए हैं पिछले 1300 वर्ष में। और ये जो बदलाव आए हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता में, इनमें से कुछ बदलाव तो तात्कालिक थे जो समय के अनुसार ठीक हो गए, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे आ गए जो समय के अनुसार ठीक नहीं हो पाए और स्थायी रूप से हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में पूरी तरह से रच गए, बस गए और बैठ गए। जो बदलाव हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ गए, हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए आ गए, उन्होंने हमको बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाना शुरू किया है और हमको अधकचरा बना दिया है। अधकचरापन हम में क्या है? हमारा जन्म भारत में हुआ, हमारी मान्यता भारत की है, हमारी परंपराएं भारत की हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति भारत की है, लेकिन हमारा आचार और व्यवहार विदेशी है, हमारा रहन सहन विदेशी है, हमारा खान पान विदेशी है, हमारी भाषा विदेशी है। इसके अलावा हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक इतना ज्यादा विदेशीपन दिखाई देता है, इतना ज्यादा परायापन दिखाई देता है कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाते। कई बार मुझे ये कहते हुए बहुत हंसी आती है कि ना तो हम पूरी ताकत से विदेशी हो पाए और ना पूरी ताकत से हम भारतीय रह पाए, हम बीच के हो गए, हम खिचड़ी बन गए, दाल अलग नहीं है, चावल अलग नहीं है, दोनों का मिक्सर हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। और ये इतना ज्यादा हो गया है कि कई बार हमको अंदाजा नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि हम कहां विदेशी हैं और कहां स्वदेशी हैं, कहां हम कोई काम कर रहे हैं वो पराया है और कहां कोई काम कर रहे हैं हम वो हमारा अपना है। तो अगर हम जीवन में थोड़ा समझ पाए इस बात को, हमारी सभ्यता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, आचार व्यवहार के स्तर पर, हमारे बोलचाल के स्तर पर, हर स्तर पर अगर हमको ये समझ में आने लगे तो शायद
हम इसमें से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर सांस्कृतिक और सभ्यतागत भारत का निर्माण कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा कि हम हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता में कहां कहां विदेशी हो गए और कैसे हम उससे स्वदेशी हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और ज्यादा बेहतर अपने जीवन को और राष्ट्र के जीवन को बना सकते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमारे अपने जीवन में सबसे ज्यादा विदेशीपन आया है तो हमारी भाषा के स्तर पर आया है। हम अंग्रेजों के गुलाम हुए लगभग 250 वर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो हमारी भाषा ही पूरी की पूरी बदल गई। हमारी स्थानीय भाषा और बोलियां पूरी की पूरी तरह हमारे जीवन से, व्यवहार से धीरे धीरे गायब होने लगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी काम करवाने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाएं, सरकार के स्तर पर काम कराएं, न्याय व्यवस्था में काम कराएं, चिकित्सा व्यवस्था के स्तर पर कोई काम कराएं, तो पता चला सब काम अंग्रेजी में होता है। भारत के मात्र 1% लोग या उससे भी कुछ कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और समझते हैं। बाकी 99% लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती, उनके पल्ले भी नहीं पड़ती, लेकिन काम जो होता है हमारे देश में सरकारी स्तर पर वो ज्यादातर अंग्रेजी में होता है। इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हम आसाम में रहते हैं तो असमिया हमारी मातृभाषा है, हमको असमिया बहुत अच्छे से आती है, हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आसाम के सरकारी दफ्तरों में जाओ वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है, आसाम के न्यायालयों में जाओ तो वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है, आसाम के किसी विद्यालय में जाओ, विश्वविद्यालय में जाओ या किसी कॉलेज में जाओ, वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। इसी तरह हम नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, त्रिपुरा के हैं या किसी भी ऐसे प्रांत के हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी से अलग है, तो वहां के सभी काम मातृभाषाओं में आसानी से किए जा सकते हैं और उनका संपादन करके आम आदमी को उससे जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है हमारे देश में। हर जगह नीचे से ऊपर तक, साधारण से विद्यार्थियों के प्राथमिक स्कूल से लेकर, प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के अंतिम विश्वविद्यालय तक, हर जगह अंग्रेजी का बोलवाला, प्राथमिक कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलवाला, और उसके भी ऊपर जाएं प्रधानमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलवाला, प्राथमिक स्तर की अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाएं तो अंग्रेजी का बोलवाला, प्राथमिक स्तर के किसी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र से लेकर और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक जाएं तो अंग्रेजी का बोलवाला। माने अंग्रेजी हमारे देश के हर स्तर पर, हर व्यवस्था में इतनी हावी है कि हमारी मातृभाषाएं और हमारी स्थानीय बोलियां धीरे धीरे हमारे देश के चलन से बाहर हो रही हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर अभी तक कोई है, किसी की है, तो वो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था की है जो 250 साल हमारे ऊपर लदी रही। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा परायापन, सबसे ज्यादा विदेशीपन जहां आ गया है वो हमारी भाषा के स्तर पर आ गया है। हम हमारे जीवन में मातृभाषी नहीं रह पाए हैं, हम हमारे जीवन में स्थानीय बोलियों से नहीं जुड़ पाए हैं और उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस देश को देखने को मिल रहा है। एक ही दुष्परिणाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी भाषा के कारण, अंग्रेजी भाषा के कारण हमारे देश के विद्यार्थियों का क्या हाल है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थी पढ़ने के लिए जब भर्ती होते हैं तो अंतिम स्तर तक, जिसको हम उच्चतम शिक्षा कहते हैं, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, मेडिकल की हो सकती है, प्रोफेशनल कोई दूसरी शिक्षा हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, तो पहली कक्षा में अगर 18 करोड़ विद्यार्थी भर्ती होते हैं पूरे देश में तो अंतिम कक्षा में पढ़कर पास होने वाले सिर्फ 1 करोड़ होते हैं। 17 करोड़ इस पूरी व्यवस्था में फेल हो जाते हैं और इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। भारत सरकार ने 3 बड़े शिक्षा आयोग बनाए अलग अलग समय पर। एक दौलत सिंह कोठारी आयोग बनाया गया, डीएस कोठारी आयोग, एक आचार्य राममूर्ति आयोग बनाया गया शिक्षा व्यवस्था पर अनुसंधान और शोध करने के लिए, और एक तीसरा आयोग इस देश में बना। तीनों आयोग एक ही बात कहते हैं, वो ये कि भारत में अगर अंग्रेजी माध्यम की भाषा नहीं हो,
अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था ना हो, स्थानीय भाषा और मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था हो सारे भारत में, तो ये 18 करोड़ विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं प्राथमिक स्तर पर, ये सारे के सारे पास हो सकते हैं उच्चतम स्तर तक। 18 करोड़ विद्यार्थी ही पास होकर निकल सकते हैं अगर इन सबको शिक्षा इनकी मातृभाषा में दे दी जाए तो। आप जरा सोचिए कि अगर मातृभाषा में हम शिक्षा दें तो जितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं उतने ही विद्यार्थी पढ़कर निकल सकते हैं उच्चतम शिक्षा में। इसका माने मातृभाषा में शिक्षा नहीं होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम उन 17 करोड़ विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो इस व्यवस्था में फेल हो जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इनमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी हैं, करीब 8-8.5 करोड़, जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के बाहर ही चले जाते हैं। वो दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी कक्षा में भर्ती नहीं हो पाते, छोड़ते चले जाते हैं और छोड़ने की दर उनकी बढ़ती चली जाती है। और बचे हुए कुछ 8-8.5 करोड़ विद्यार्थी हैं जो हमेशा के लिए फेल ही हो जाते हैं। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आयोगों की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस अंग्रेजी भाषा के कारण, इस विदेशी भाषा के कारण 17 करोड़ विद्यार्थियों को अपना जीवन अंधकार में डालना पड़ता हो, इतना बड़ा दुष्परिणाम जो किसी देश की शिक्षा व्यवस्था पे आ रहा हो, तो वो अंग्रेजी भाषा के कारण है। आप अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो ये प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत निकलता है। अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि 18 करोड़ विद्यार्थियों में से 1.8 करोड़ विद्यार्थी अगर पास हो रहे हैं तो 10% पास हो रहे हैं, और अगर 1 करोड़ पास हो रहे हैं तो वो लगभग 5% के बराबर है। माने हमारी शिक्षा व्यवस्था में 95% विद्यार्थी हमेशा के लिए बाहर हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं या पूरी व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। तो ये दुष्परिणाम एक और एक कारण से है, और वो है विदेशी भाषा, पराई भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो जब हम भाषा को ओढ़ने की कोशिश करते हैं और खासकर विदेशी भाषा को अपने ऊपर लादने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यहां निकलता है, शिक्षा व्यवस्था के लगातार फेल होते चले जाने। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये 17 करोड़ विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने का प्रमाण है। ये विद्यार्थियों के फेल होने की बात नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने की बात है। इसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था का कसूर है, उसका दोष है जो अंग्रेजी पर आधारित है। यहां से मैं एक दूसरे कदम आगे बढ़ता हूं कि विदेशी भाषा का जो हमारे जीवन में असर आ गया, शिक्षा पर तो है ही, अन्य सभी जगहों पर है। हम हिंदुस्तान में, भारत में देखते हैं, छोटे छोटे गांव के लोग मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है, मरीज उसको पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता कि ये दवा क्या है। वो पर्ची लेके चला जाता है, किसी केमिस्ट के पास जाता है, ड्रगिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट और ड्रगिस्ट उसको वो दवा निकाल के दे देता है। फिर अगर वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट से ये पूछना शुरू करे कि भाई साहब या बहन जी, ये दवा मैं खा तो रहा हूं, इसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है क्या मेरे शरीर पर, तो वो बताएगा नहीं पहले तो, और अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो ऐसे शब्दों में बताएगा जिनको आप जिंदगी में कभी समझ ही ना सकें कि क्या उसका दुष्परिणाम होने वाला है। वो सीधी सीधी मातृभाषा में या किसी स्थानीय बोली में आपको समझा सके, ये उसके बस के बाहर की बात है। और डॉक्टर से भी आप कहें कि डॉक्टर साहब, ये दवा आपने जो लिख दी है ये मैं खाऊंगा तो सही, लेकिन इसका मेरे शरीर पर क्या दुष्परिणाम है, तो डॉक्टर भी कुछ ऐसी भाषा में लिख कर दे देगा, उसको समझने के लिए आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए, फिर वो कुछ ऐसी भाषा लिख देगा, उसको समझने के लिए किसी और विशेषज्ञ के पास जाइए। माने आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जो दवा आप खा रहे हैं उसका दुष्परिणाम क्या है। दवा का नाम नहीं पढ़ सकते, उसके दुष्परिणाम नहीं जान सकते, और अगर उस दवा के बारे में कुछ छपा हुआ परिपत्र आपने ले लिया, लिटरेचर आपने ले लिया, कुछ साहित्य आपको मिल गया, तो वो भी पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में होगा, उसको आप पढ़वाने के लिए किसी और विशेषज्ञ की मदद लेंगे, तब जाकर कोई थोड़ी बात आपके समझ में आएगी। माने मेरा मूल अधिकार है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है कि मुझे जो चीज दी जा रही है उसके बारे में सब कुछ जानना, समझना,
लेकिन मेरे मूल अधिकार से मुझे वंचित किया गया, क्योंकि दवाओं के नाम सिर्फ अंग्रेजी और अंग्रेजी में होते हैं। क्यों नहीं आसाम में बिकने वाली दवाओं के नाम असमिया में होने चाहिए? क्यों नहीं हमारे देश के बंगाल में बिकने वाली दवाओं के नाम बांग्ला में होने चाहिए? क्यों नहीं हमारे यहाँ हिंदी क्षेत्र में बिकने वाली दवाओं के नाम हिंदी में होने चाहिए? क्यों नहीं महाराष्ट्र में बिकने वाली दवाओं के नाम मराठी में होने चाहिए? क्यों नहीं हमारे देश में गुजरात में गुजराती दवाएं बिकें? हमारे देश की जो 22-23 भाषाएं जो संविधान ने जिनको मान्यता दे रखी है, सभी दवाओं के नाम उस पर हो सकते हैं और लिखे जाने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हम विदेशी भाषा में इतने दबे हुए, इसी तरह से राष्ट्रभाषा में तो हो ही सकता है, हिंदी में तो हो ही सकता है। कम से कम भारत में 84 करोड़ लोग हैं जो हिंदी को जानते हैं और समझते हैं। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या तो थोड़ी कम है, लेकिन जानने और समझने वालों की संख्या तो 84 करोड़ से ज़्यादा है, 85 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसमें तो हो ही सकता है, लेकिन वो अभी तक आज़ादी के 63 साल में भी हम नहीं कर पाए हैं। और सरकार ने नियम बना रखा है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें अंग्रेजी में, दवाओं के नाम लिखें अंग्रेजी में, दवाओं के नाम छपें अंग्रेजी में, कोई दवा खरीदे तो वो अंग्रेजी में, हर चीज अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। जिसको 1% लोग जानते समझते नहीं, उस भाषा में सबको दवाएं देना, मुझे लगता है कि उनको मौत के मुंह में धकेलने जैसा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, उनके जीवन को खत्म करने के जैसा है। दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप रूस में जाएंगे, सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी। आप जर्मनी में जाएंगे, सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा, नाम और उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच में लिखा जाएगा। जापान में जाएंगे, जापानीज में लिखा जाएगा। चीन में जाएंगे, चाइनीज में लिखा जाएगा। ये अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का, जहां 1% से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। इसी तरह से और एक उदाहरण दूं भाषा के स्तर पर हमारी गुलामी का, कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ, आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ, आप अदालत में जाना चाहते हैं, आप वकील करना चाहते हैं और अदालत में अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को पहले असमिया में, बांग्ला में या किसी और मातृभाषा में वकील को समझाइए, फिर वकील उसी भाषा को भाषांतरित करके अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज अंग्रेजी में उसी बात को वकील को समझाएगा, फिर वकील उसी बात को असमिया में या बांग्ला में भाषांतर करके आपको समझाएगा। क्या सत्यानाश कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का, कितना समय खराब कर रहे हैं, कितनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये अंग्रेजी नहीं होती तो मैं मेरे अन्याय की कहानी हमारे न्यायाधीश महोदय को सीधे असमिया में, बांग्ला में या किसी स्थानीय भाषा में कह देता और न्यायाधीश सीधे स्थानीय भाषा में न्याय सुना देता। मेरे और न्यायाधीश के बीच में किसी तीसरे आदमी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर मातृभाषा में ये सारा काम हो रहा होता। लेकिन चूंकि ये मातृभाषा में नहीं है, इसलिए हमको एक तीसरा व्यक्ति पकड़ना पड़ता है जो विशेषज्ञ हो, जो मेरी बात न्यायाधीश को समझाए और न्यायाधीश की बात मुझको समझाए। मैं पैसा खर्च करूं मेरे न्याय के लिए और न्याय मिले मुझे विदेशी भाषा में, इससे ज्यादा शर्म और अपमान की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और एक उदाहरण दूं आपको, हमारे देश के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है, आपको अंग्रेजी आती है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं, जाइए, आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहां नहीं हो सकता, आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए। हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में, शिक्षा का, रोजगार का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, हर तरह का अधिकार हमारा सबका बराबर है। लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो माँ बाप करोड़ों करोड़ों अंग्रेजी नहीं जानते, उनके बच्चों को सिर्फ दाखिला इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है, भले ही उनके बच्चे कितने ही होशियार हों। और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा, हम होमवर्क देंगे, फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों को?
तो करोड़ों माता पिता इस बात से वंचित हैं कि उनके बच्चे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की। तो शिक्षा के स्तर पर अन्याय होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य में अन्याय होता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, कोई ऐसी परीक्षा में हमारे बेटे या बेटी का सिलेक्शन हो जाए जो पूरी तरह से अंग्रेजी आधारित हो और वहां पर थोड़ा भी कम ज्यादा नंबर आ जाए तो बाकी सभी विषयों में बहुत अच्छा करने के बाद भी अंग्रेजी में फेल होने पर वहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है, आजादी के 63 साल के बाद भी ये खत्म नहीं हो पाई है। इस गुलामी को हम मानते हैं कि ये एक तरह का हमारा सांस्कृतिक पतन है, एक तरह का हमारा अधः पतन है, और हमारे मन की गुलामी ये ज्यादा है, शरीर की गुलामी इतनी नहीं है। अंग्रेज जब तक थे 15 अगस्त 1947 तक, तब तक तो हमारे शरीर की गुलामी थी, लेकिन अंग्रेज जब चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद तो ये मन की गुलामी ज्यादा हो गई है। शरीर से हम आजाद हैं, शरीर से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मन के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है, हमारी आत्मा के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारा मन गुलाम है, हमारी आत्मा गुलाम है एक विदेशी भाषा की, और इस गुलामी को आज नहीं तो कल खत्म करना ही पड़ेगा। हर बार एक ही बात लगती है मुझे कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी को हमने, शरीर वाली गुलामी को खत्म किया, एक बड़ा संग्राम इस देश में चलाया, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की हमारी जो मानसिक और आत्मिक गुलामी पैदा हो गई है या हावी हो गई है हमारे ऊपर, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और हमारे देश में अंग्रेजी को खत्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कोई हमारी मुक्ति नहीं है और हमारा विकास नहीं है। दुनिया के तमाम देशों से विकास में हम पिछड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो मानवीय विकास की रपट तैयार होती है हर साल, उसमें भारत का 134वां नंबर है। बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न आता रहता है कि भारत से भी पीछे बहुत सारे देश रहे हैं दुनिया में, उनका नंबर भारत से आगे है मानवीय विकास की रिपोर्ट में और भारत उनसे भी पीछे है। तो कारण उसका एक ही नजर आता है और समझ में आता है कि जो देश भी भारत से आगे हैं मानवीय विकास के काम में, वो सभी मातृभाषाओं में काम कर रहे हैं, इसलिए भारत से आगे है, कोई विदेशी भाषा में काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो देश भी विदेशी भाषा में अपने काम कर रहे होते तो शायद भारत से भी पीछे रह रहे होते। दुनिया में कितना भी विकास हम करना चाहें, विज्ञान में, तकनीकी में, गणित में, दूसरे सभी विषयों में, तो मातृभाषा की तरफ ही लौटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मातृभाषाएं हमारी कोई कमजोर नहीं है, सभी मातृभाषाओं का जो भारत में है, 22-23 भाषाएं जो हमारे संविधान ने स्वीकृत की हुई है, जिनकी मान्यता है, इन सभी भाषाओं को अंग्रेजी के साथ अगर तुलना करके देख लिया जाए तो भारत की सबसे कम शब्दों वाली जो भाषा है वो भी अंग्रेजी से बड़ी है। हमारे उत्तर पूर्व भारत के जो छोटे प्रांत हैं, जैसे नागालैंड है, जैसे मणिपुर है, जैसे मिजोरम है, आदि आदि प्रांतों में जो स्थानीय बोलियां और भाषाएं चलती हैं, उनमें सबसे छोटी भाषा को मैंने निकाल के रखा, उसके शब्दों की गिनती की, वो भी अंग्रेजी से ज्यादा है। माने भारत की सबसे छोटी माने जाने वाली भाषा शब्दों के हिसाब से वो भी अंग्रेजी से बड़ी है। तो हमारी सबसे बड़ी भाषा तो अंग्रेजी से कई गुनी बड़ी है, इसलिए हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है, हमारी बोलियों में भी कोई कमी नहीं है। और तकनीकी शब्द जो है ना, हम चाहें तो तात्कालिक रूप से जैसे के तैसे अंग्रेजी में ले सकते हैं, लेकिन विचार की जो अभिव्यक्ति है वो मातृभाषा और बोलियों में करके थोड़े दिन में तकनीकी शब्दों को भी मातृभाषा में ले आ सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत शब्दों का हम उनके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में सामान्य रूप से मिलते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। असमिया भाषा ले लो, नगा लोगों की भाषा ले लो, मणिपुरी भाषा ले लो, उनके स्थानीय बोलियों के शब्द ले लो, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में तो है ही है, सभी में संस्कृत के शब्द हमें मिल जाते हैं। तो संस्कृत की मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और बहुत लोगों को लगता है कि यह अंग्रेजी विश्व भाषा, ऐसी कुछ नहीं है, दुनिया के 200 देशों में अभी जो है ना पूरी सृष्टि चलती है, माने दुनिया 200 देशों में बसती है और चलती है, इनमें से मात्र 14 देश हैं जहां अंग्रेजी है,
उनमें से वो सारे के सारे देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, इसलिए वहां अंग्रेजी है। कि इसलिए अंग्रेजी नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विकास अपने यहाँ किया है। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, न्यूजीलैंड में अंग्रेजी, कनाडा में अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेजी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, या स्कॉटलैंड में अंग्रेजी, या आयरलैंड में अंग्रेजी, या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में अंग्रेजी, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। तो अंग्रेजी ऐसी कोई विश्व भाषा भी नहीं है, कोई बहुत तकनीकी भाषा भी नहीं मानी जाती है, कोई श्रेष्ठ भाषा भी नहीं मानी जाती है। अंग्रेजी के बारे में सारी दुनिया के विद्वान कहते हैं कि सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा खराब व्याकरण अगर किसी का है तो अंग्रेजी का ही है। इसलिए दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अंग्रेजी में काम नहीं करती। यूनाइटेड नेशंस का सारा काम फ्रेंच में चलता है, अंग्रेजी में भाषांतरित करते हैं वो उस काम को। सभी अलग अलग भाषाओं में संस्थाएं काम करती हैं। इसलिए अंग्रेजी के मोह में दबे रहें और अंग्रेजी से लिपटे रहें, चिपटे रहें, ये हमारे विकास के लिए बहुत खराब है और हमारी मानसिक और आत्मिक गुलामी के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए इस अंग्रेजी की जकड़ से दूर हो जाना भारत की सांस्कृतिक विजय हो और हम ऐसे अभियान के लिए काम करें जो अंग्रेजियत के और अंग्रेजी के खिलाफ हो, ये भारत स्वाभिमान का अभीष्ट है। इसी उद्देश्य के लिए भारत स्वाभिमान है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हमारे सांस्कृतिक पतन की। भाषा के बाद जो दूसरी गुलामी हमारे देश में है मानसिक स्तर पर, वो है भूषा की गुलामी, वस्त्रों की गुलामी। हम सब भारतवासी, खासकर थोड़ी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी या अंग्रेजियत में डूबे हुए भारतवासी, उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा बदली है और उसके बाद अपनी भूषा बदली, अपने वस्त्र बदले हैं, अपना पहनावा बदला है। और पहनावा इतना विचित्र और मूर्खता भरा है कि हंसी आती है। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके कोट पहनना शुरू किया, हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके पैंट पहनना शुरू कर दिया, हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके टाई लगाना शुरू कर दिया, और तो और नेक टाई लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ गर्दन तक को ही कवर करती है। ये कोट है, पैंट है, टाई है, और थ्री पीस सूट है, और लंबा वाला कोट है या ओवर कोट है, ये सब यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके में पहने जाने वाला पहनावा है। और उस इलाके में कोट पैंट टाई के अलावा दूसरा पहनावा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है। जिस इलाके में ठंड बहुत होती है, जहां सर्दी बहुत होती है, वहां ठंडी हवाएं भी बहुत चला करती हैं। यूरोप के इलाके में दो दुष्परिणाम हैं या दो मुश्किलें हैं, एक तो ठंड बहुत है और दूसरा काफी इलाका समुद्र के किनारे वाला है। आपको मालूम है समुद्र के किनारे के इलाके में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और ठंडा इलाका हो तो ठंडी हवाएं चलती हैं। मैदानी इलाके में हवाओं की जो गति होती है, समुद्री इलाके में हवाओं की गति उससे दोगुनी तीन गुनी ज्यादा होती है। हम सामान्य रूप से मैदान के क्षेत्र में रहें तो वहां हवा इतनी तेज नहीं मिलेगी, लेकिन हम समुद्र के किनारे चले जाएं वही हवा बहुत तेज हो जाएगी। तो यूरोप तो ऐसे ही इलाके में है, अमेरिका भी काफी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां ठंड बहुत है। ये यूरोप और अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है और उत्तरी ध्रुव दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा है। तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यूरोप और अमेरिका, कनाडा वाला इलाका बहुत ठंडा है। तो ठंडे इलाके के लोगों के पहनावे वैसे ही होते हैं जैसा होना चाहिए। अब ठंडा इलाका है, हवा बहुत तेज चलेगी, तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो एकदम चुस्त हों, और ज्यादा चुस्त हों तो ज्यादा गर्मी उन कपड़ों में आपको मिल पाएगी और बाहर की ठंड से आप बच पाएंगे। गले के आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी बंद करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी हवा आपके गले को प्रभावित कर देगी। तो गले के आसपास का क्षेत्र बंद हो, इसके लिए टाई की जरूरत पड़ सकती है। ये सारा आपका शरीर का इलाका बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गर्मी से, तो इसके लिए कोट की जरूरत पड़ सकती है, थ्री पीस सूट की जरूरत पड़ सकती है, ओवर कोट की जरूरत पड़ सकती है। पांव आपके जो हैं ठंड से बचे रहें, ज्यादा तकलीफ में ना आए, तो चुस्त पैंट पहनने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो वहां के लोगों ने अपनी आबो हवा के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से अपनी पोशाक बनाई, चुस्त पैंट बनाई, चुस्त शर्ट बनाई, फिर कोट बनाया, फिर टाई बनाया, फिर ओवर कोट बनाया, फिर नेक टाई बनाई। ये सब वहां के जरूरत के हिसाब से, वहां की जलवायु के हिसाब से है। अब हम भारतवासियों ने बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए पश्चिम की और यूरोप अमेरिका की इस पूरी पोशाक को अपने शरीर पर ओढ़ लिया। अब ओढ़ लिया तो इसमें तकलीफ ही तकलीफ है।
भारत का तो मुश्किल ये है कि भारत का दो तिहाई इलाका, या बल्कि और मैं थोड़ा अच्छा कहूं तो तीन चौथाई, दो तिहाई नहीं तीन चौथाई, भारत का तीन चौथाई क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है, और गर्मी वाला नहीं भयंकर गर्मी वाला है। अगर आप शुरू करें इस पूरे हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से एक चौथाई इलाका है, बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। या तो गर्मी पड़ती है या भयंकर गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो जहां 25, 26, 27 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच का तापमान हो, ये 27 डिग्री से 50 डिग्री के तापमान का जो बीच का क्षेत्र है ना, ये वो क्षेत्र है जब शरीर में पसीना आ सकता है। 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। 50 डिग्री पे तो भयंकर पसीना आएगा, 27 डिग्री पे भी हल्का फुल्का पसीना आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो और उस वातावरण में आप थ्री पीस सूट और कोट और टाई और ओवरकोट लाद लें तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखाई देंगे, और क्या दिखाई देंगे। भयंकर गर्मी और ऊपर से जून की गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी, उसमें एक सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे देश की जो अदालतें हैं, सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिला अदालतें या उसके नीचे की तहसील अदालतें, एक भी अदालत एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है। माने भारत के 685 जिलों में एक भी अदालत एयर कंडीशन नहीं है। अगर एयर कंडीशन अदालतें हैं तो कुछ हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील एक बार को कोट पहन लें, टाई लगा लें, तो उनके बार उनके कोर्ट रूम तो एसी हैं, वो टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी ठंडे और गर्म के हिसाब से। अब जिला अदालतों के वकील जहां बिल्कुल एसी नहीं है, कभी कभी तो पंखा भी नहीं चलता है, बिजली भी नहीं आती है, वहां भयंकर टाई कोट सूट पहन के, और वो भी काला जो सबसे ज्यादा गर्मी देता है, बहस करें और बहस के समय और ज्यादा गर्मी आए और ज्यादा पसीना निकले तो अंदर ही अंदर वो पसीना कोट में चिपकता रहे, फिर उस पसीने से कोट का पूरा कॉलर सफेद सफेद हो जाए, कोट को उतार के रखें तो पसीने की बदबू 10 मीटर दूर तक जाए। और मैंने देखा है हमारे वकील मित्रों को महीनों महीनों वो कोट धुलता नहीं है क्योंकि वो एक ही होता है या दो होते हैं, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भूषा के स्तर पे बनी हुई। और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि ऊपर का कोट और टाई वाई तो इतना गर्म करने वाला, टाइट जीन्स और चढ़ा लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो गर्म है, मैंने आपसे कहा या तो गर्म है या समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है, माने सामान्य जलवायु, ठंडी जलवायु तो यहाँ बहुत ही कम है और बहुत थोड़े दिन के लिए है। तो जहाँ गर्मी है वहाँ पाँव में भी शरीर में भी ताजा हवा, खुली हवा, ठंडी हवा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे देश की पोशाकें बहुत सोच समझ के बनाई गई। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के लोग एक पोशाक पहनते हैं जिसको लुंगी कहते हैं, उत्तर भारत के लोग उसी पोशाक को धोती की तरह से पहनते हैं। लुंगी और धोती एक ही तरह का वस्त्र है, बांधने के तरीके में थोड़ा अंतर है। लुंगी थोड़ा चौड़ाई लंबाई में कम है, धोती थोड़ा चौड़ाई लंबाई में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही बिना सिला हुआ है। तो हमारे भारत में बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने की बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है, इसको बहुत पवित्र माना जाता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे भारत देश में जब लोग संन्यास ग्रहण करते हैं ना, तो उसका पहले कदम के रूप में ही ये बात आती है कि बिना सिले हुए वस्त्र पहनने हैं संन्यासी होने के बाद। तो हमारे भारत में जो सन्यासी पहन सकते हैं वो सबसे पवित्र वस्त्र होते हैं,
और सन्यासी जो पहन सकते हैं वो बिना सिले हुए वस्त्र ही होते हैं। इसका मतलब बिना सिले हुए वस्त्र सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं। ये पवित्रता का जो जुड़ाव है ये शायद मुझे लगता है कि आवो हवा जलवायु की जरूरत के हिसाब से है। हमारी जलवायु गर्म है, आवो हवा गर्म है, तो हमारे लिए ऐसे ही वस्त्र अच्छे हैं जिनमें खुली हवा जाती रहे और अंदर से गर्म हवा आती रहे। अब हमने अंग्रेजों की नकल करके, यूरोप के लोगों की नकल करके टाइट पैंट, टाइट जीन्स, टाइट शर्ट, टाइट कोट, टाई वगैरह वगैरह पहनना शुरू किया। अब पैंट एकदम टाइट है, जीन्स एकदम टाइट है, ना तो उसमें हवा अंदर जा सकती है खुली हुई, ना अंदर की गर्म हवा बाहर आ सकती है, तो अंदर से पसीना पसीना होता रहता है। फिर उस पसीने के कारण चर्म रोग होते रहते हैं। उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए बीसियों किस्म की दवाएं हम रगड़ते रहते हैं अलग अलग अंगों पर। ऐसे मूर्ख लोग हैं हम, वो कपड़े को उतार के नहीं फेंक देते, उस कपड़े के कारण जो चर्म रोग हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते रहते हैं। आपको मालूम है हमारे पांव का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां ताजा और स्वच्छ हवा नहीं जाए और पसीना वहां पर इकट्ठा होता रहे तो भयंकर खुजली पैदा हो सकती है। उस खुजली को खुजाने में परेशान होते रहेंगे, उस खुजली को ठीक करने में दवाओं की तलाश करते रहेंगे, कभी एक वैद्य के पास कभी दूसरे हकीम के पास। ऐसा एक छोटा सा काम नहीं करते कि वो टाइट जीन्स और पैंट को उठा के फेंक दें और उसकी जगह पर लुंगी लपेट लें या धोती पहनना शुरू कर दें या थोड़ा खुला हुआ पजामा पहनना शुरू कर दें। कम से कम वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है इस पैंट की तुलना में। हमने कई बार ऐसी मूर्खताएं अपने जीवन में कर रखी हैं इस भूषा के स्तर पर जिनका कोई तर्क समझ में नहीं आता। जैसे बहुत भारतवासियों को मैंने देखा है मोजे पहन के घूमते रहते हैं जूतों में। अब जूते वैसे ही बहुत गर्म हैं, उसमें मोजे और डाल लिया आपने। अब ये पांव जो होता है ना, नीचे का हिस्सा, अगर आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी की बात करेंगे और उसको पढ़ेंगे और सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ये अक्सर खुला हुआ रहना चाहिए ताजा हवा के लिए। लेकिन हमने एक तो जूते डाल लिए, जूते के ऊपर और मोजे चढ़ा लिए, तो मोजे के अंदर पसीना भरता रहता है और जूतों के कारण वो और ज्यादा बढ़ता रहता है, तो मोजों में इतनी तेज बदबू आती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है घर में जाके जैसे ही जूते उतारते हैं तो मोजे की बदबू घर के बाहर तक चली जाती है, पूरा घर जो है वो मोजे की बदबू से भरा हुआ रहता है। फिर उन मोजों को बंद करके अलमारी में और रख देते हैं तो बाकी सारे के सारे कपड़े भी बदबूदार हो जाते हैं। अब उन लोगों को कहो कि भाई ये मोजे की जरूरत भारत में नहीं है, ये यूरोप में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि बर्फ पड़ती है। आपको मालूम है साल में 6 महीने बर्फ पड़ती है ये यूरोप और अमेरिका वाले एरिया में, कुछ कुछ क्षेत्र में तो 8 महीने तक बर्फ पड़ती है, तो ज्यादा बर्फ पड़े तो पांव एकदम गलने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में मोजे और जूतों की जरूरत पड़ती है। भारत में तो कम से कम 3/4 इलाका ऐसा है जहां कभी बर्फ नहीं पड़ती और 1/4 इलाके में साल में 15-20 दिन, बहुत अधिक तो महीने भर बर्फ पड़ती है, तो उतने दिन के लिए अगर वो लोग मोजे पहने जो 1/4 इलाका भारत का बर्फ वाला है, उनको ही बात तो समझ में आती है। पूरे भारतवासी मोजे पहन के घूमते रहते हैं, भरी गर्मी में मोजे पहने रहते हैं, जून की गर्मी में, जुलाई की सड़ी हुई गर्मी में, जब बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है और खराब गर्मी होती है, ये मोजों का बड़ा विचित्र विज्ञान है। हमारे भारत में तो सन्यासियों के लिए जो पहनावा है वो खड़ाऊ है और गृहस्थ लोग भी पहनते रहे। परम पूजनीय स्वामी जी की जो खड़ाऊ है वो बहुत वैज्ञानिक है। एक तो लकड़ी की है, लकड़ी आप जानते हैं ऊष्मा की कुचालक होती है, और पृथ्वी आप जानते हैं बहुत बड़ी ऊष्मा की सुचालक है। तो पृथ्वी से आपके शरीर का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो टूटा रहे, माने आपकी ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी में ना चली जाए और बिना किसी कारण आपका बड़ा नुकसान ना होने पाए, इसके लिए लकड़ी की खड़ाऊ दी गई है। और लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होने के कारण पृथ्वी और आपके शरीर के बीच में एक माध्यम बन जाती है ताकि ऊष्मा का, ऊर्जा का, बेकार का प्रवाह पृथ्वी में ना होने पाए। इतने वैज्ञानिक तरीके से ये खड़ाऊ बनती है जिसका उपयोग हजारों साल से इस देश में होता रहा। हमने वो खड़ाऊ छोड़ दी और उस खड़ाऊ को छोड़कर यूरोप और अमेरिका की नकल करने वाले जूते खरीद लिए और उन जूतों में फंस गए मोजे और मोजे में फंस गई बदबू और बदबू में फंस गया पूरा घर और परिवार, जो परेशान होता रहता है। हमारे देश में भगवान श्री राम का कहानी देखें,
भगवान श्री कृष्ण का देखें, ये सब खड़ाऊ पहनने वाले लोग थे। श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे, बजरंगबली को देखें हनुमान जी को वो खड़ाऊ पहनते रहे, श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे, युधिष्ठर अर्जुन नकुल सहदेव भीम ये सब खड़ाऊ पहनकर हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। और आप तो जानते हैं, एक हमारे यहाँ मुहावरा चलता है जो वास्तविकता पर आधारित है कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया। भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर कुर्सी पर बैठने के लिए, उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर, उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था। तो खड़ाऊ बहुत महत्व की चीज है हमारे देश में। जो खड़ाऊ 14 वर्षों तक किसी राज्य का संचालन कर सकती है और राम राज्य का संचालन कर सकती है, साधारण राज्य नहीं, राम राज्य। राम राज्य में जहां कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भुखमरी का शिकार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, जहां अतिवृष्टि नहीं है, जहां अनावृष्टि नहीं है, माने जीवन का कोई दुखी नहीं है, ऐसा राज्य राम राज्य। और वो खड़ाऊ के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष, तो अंदाजा लगा लीजिए खड़ाऊ का कितना बड़ा महत्व रहा होगा इस देश में। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में, तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊ ले जाओ, तो बहुत हर्ष के साथ खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊ को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाऊओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया। क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, कहां खड़ाऊ और कहां जूता। तो आप इस जूता संस्कृति से थोड़ा बाहर निकले, ये सांस्कृतिक पतन है हमारा, जूते का पहनावा। और जूते का पहनावा ऐसा, एक जोड़ी जूता नहीं, दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, चार नहीं पांच, दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास, और लोगों को ड्रेस के हिसाब से जूता। हम शायद इस उम्मीद में, इस कल्पना में इसको धारण किए रहते हैं कि इससे हमारा कोई स्टेटस सिंबल बढ़ता है, वो मूर्खता बढ़ती है। इसलिए हम इस सांस्कृतिक अधःपतन के इस स्तर पर आके खड़े हो गए हैं कि अपनी खड़ाऊ छोड़ी है, अपनी जूतियां छोड़ी हैं। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊ का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती हैं। जूतियां बहुत वैज्ञानिक है, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, बराबर घिसती हैं, जूते की तरह से नहीं होती। जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। चमड़े की से बनती है, और वैसे भी जूता जो है ना बहुत खराब ये माना जाता है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है। तो और हमारे यहाँ जूतियां जो बनती रही हैं वो स्वाभाविक मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके चमड़े की ही जूतियां बनती हैं, लेकिन जूते बनाने के लिए जानवरों को कत्ल करना पड़ता है, मारना पड़ता है बेमौत समय से पहले, तब जाके वो कुर्म बनता है, उससे जूता बन पाता है। तो ये जूते में हम फंस गए, ये विदेशी माने एक तरह से अंधानुकरण, पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है। इसी तरह से मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ भारतीय पहनावे के बारे में। ये जो धोती होती है या लुंगी होती है, जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहें तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं, सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं, क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं, क्योंकि वो सिला हुआ है। और अगर इस धोती के बारे में कोई बड़ी बात मुझे कहनी हो तो धोती भारतीय संस्कृति की सबसे जीवंत निशानी है, जिसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है। मैं जो है ना, या आप साधारण रूप से, आपके सामने कोई मां को खड़ा किया जाए
जो असमिया पद्धति से धोती बांधे हुए हो, कोई माँ को खड़ा किया जाए जो मराठी पद्धति से बांधे हुए हो धोती, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो गुजराती पद्धति से धोती बांधे हुए हो, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो पंजाब या हरियाणा की पद्धति से धोती बांधे हुए हो, और उनके नाम के आगे कुछ न लगाया जाए कि ये कहाँ की माँ है, हरियाणा की है, आसाम की है, बंगाल की है, कहाँ की है, खाली धोती बांधे हुए वो खड़ी है, आप एक मिनट में बता देंगे ये माँ आसाम की है, ये माँ बंगाल की है, ये माँ पंजाब की है, ये हरियाणा की है, ये गुजरात की है, या ये जम्मू कश्मीर की है। माने धोती बांधने के तरीके मात्र से पूरा परिचय हो जाता है बिना बोले हुए, लेकिन पैंट पहने हुए आदमी को आप नहीं बता सकते कि ये इंग्लैंड का है, आयरलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, या अमेरिका का है, या कनाडा का है, क्योंकि पैंट एक जैसी है सभी जगह, धोती बांधने के तरीके एक जैसे नहीं है कहीं भी। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि धोती वस्त्र तो एक ही है, बांधने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है, एक क्षेत्र के हिसाब से एक तरीका, दूसरे क्षेत्र के हिसाब से दूसरा तरीका। महाराष्ट्र की माताओं को देखा धोती बांधे हुए तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र की वैसी जरूरत है। आसाम की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, बंगाल की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, क्योंकि वहां की जरूरत बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र के, हर परिवेश के, जलवायु और जरूरत के हिसाब से बांधने का तरीका विकसित हुआ है। वस्त्र तो एक ही है धोती, जो 5 मीटर का या 5 गज का वस्त्र तो एक ही है, सारे देश में एक ही तरीके से बनता है, लेकिन बांधने के तरीके में जो अंतर है उसी को मैं भारतीय संस्कृति मानता हूं, और जो धोती एक वस्त्र है उसको मैं भारतीय सभ्यता मानता हूं। ये जो धोती है वो भारतीय सभ्यता है, और धोती बांधने का जो तरीका है वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है, सभ्यता पूरे देश में लगभग एक जैसी होती है। तो हमारी सभ्यता की निशानी धोती, हमारी सभ्यता की निशानी लुंगी, जिसको बांधने के अलग अलग तरीके हैं जरूरत के हिसाब से, और बांधे नहीं तो उसके उपयोग के और 20 तरीके हैं। मान लीजिए लुंगी पहन के आप जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है, और आपको ढेर सारी सब्जी लेके आनी है, लुंगी का एक हिस्सा आप उसमें सब्जियां भर के लेके आ सकते हैं। अगर आप कहीं से धान्य लाना चाहते हैं, धोती का एक हिस्सा आपने खोला, उसमें धान्य बांध के भी आप ला सकते हैं। कुछ भी लाने ले जाने में आसानी है धोती और लुंगी में, पैंट में क्या ला सकते हैं, उतना ही ला सकते हैं जितनी जेब में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते। और अगर जेब में भर भी लिया तो चलने में इतनी तकलीफ होगी कि आप शायद चल नहीं पाएंगे उससे। तो ये पैंट कोट और शर्ट में हम फंस गए, लुंगी धोती वाली सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर, ये हमारे सांस्कृतिक अधपतन की निशानी है। मेरा ये मानना है कि भारतवासी जो भी थोड़े अंग्रेजी के प्रभाव में है, अंग्रेजियत के प्रभाव में है, उनको जितना जल्दी हो अपनी उस भूषा को बदल लेना चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से। और एक विषय पे बात करना चाहता हूँ कि हमने सांस्कृतिक अधःपतन की एक सीमा तोड़ी है विदेशी भोजन का अंधानुकरण करके। भाषा में हम विदेशी हो गए, भूषा में हम विदेशी हो गए, भोजन के स्तर पर भी हमारे देश में बहुत ज्यादा विदेशीकरण हो गया। भोजन भी हमारी जलवायु और हमारी जरूरत के अनुसार विकसित हुआ है इस देश में। हमारे लाखों करोड़ों वर्ष के जीवन में भोजन का जो विकास हुआ है ये सबसे बड़ा विकास है भारत में। भारत में माना जाता है, सारे विद्वान इस पर एक मत है, कि भोजन में जो कुछ हमने विविधता लाई है पिछले हजारों लाखों वर्ष में, ये भारत की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया के। शायद भारत के भोजन में जितनी विविधताएं हैं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमरीका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। गेहूं एक ही तरह की फसल है, वो भारत में भी है, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में भी है। हम गेहूं का आटा बनाते हैं और आटे से फिर हम पूड़ी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं,
हम पराठा बनाते हैं, पराठे कई तरह के बनाते हैं, पूरियां कई तरह की बनाते हैं, कचौरियां कई तरह की बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो रोटी भी कई तरह की होती है, कोई रोटी तंदूर वाली होती है, कोई रोटी चूल्हे वाली होती है, कोई रोटी गैस वाली होती है, तवे वाली होती है। तो रोटियों के बीसियों प्रकार हैं, पूड़ियों के बीसियों प्रकार है, कचौरियों के बीसियों प्रकार है, पराठों के बीसियों प्रकार है। माताएं बहनें यहां बैठी हैं, एक परत का पराठा, दो परत का पराठा, तीन परत का पराठा, चार परत का पराठा, ऐसे पराठे हमारे देश में घर घर में, गांव गांव, गली गली में, इतने अद्भुत और इतनी विविधता वाले। हमारे पास क्या है? गेहूं का आटा। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी, दो ही चीजें हैं उनके पास। और उसको दो भी क्यों कहें, एक ही चीज है। पाव रोटी, डबल रोटी एक ही तरीके से बनते ही है, बस मामूली सा अंतर है। तो वो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं को पैदा करके आटा बनाते हैं, उस आटे से पाव रोटी, डबल रोटी के अलावा तीसरी रोटी बना ही नहीं सकते वो। हमारे यहाँ सैकड़ों किस्म की रोटियां, पूरियां, कचौरियां हम बनाते हैं। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते, वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इन्हीं नामों पे हैं, है सब वो पाव रोटी और डबल रोटी। पिज्जा कह लो, बर्गर कह लो, उसको बीच में से काट के सलाद भर लो या सलाद के बीच में उसको लगा के खा लो, बात तो एक ही है। तो आप देखो कि कितने नीचे हम आए, कितना पतन हमारा हुआ। सैकड़ों किस्म के व्यंजन जो हम गेहूं के आटे से बना सकते हो, उस देश के लोग पाव रोटी, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर खाने में फंस जाए, तो ये भी हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की ही निशानी है, या बल्कि मूर्खता की निशानी। मूर्खता इसमें पता है क्या है? कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती, ताजा होती तो वो बनती ही नहीं, वो तो बासी ही होती है। वो एक दिन बासी हो सकती है, दो दिन हो सकती है, दस दिन हो सकती है, पंद्रह दिन हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में तो तीन तीन महीने पुरानी बासी पाव रोटी, डबल रोटी मिलती है, और लोग उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा करते हैं। अब हमने उनकी नकल करके हमारे घरों में वो बासी डबल रोटी लाना और खाना शुरू कर दिया। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए, और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। लेकिन पाव रोटी और डबल रोटी का अगर कहानी सुनना और गिनना शुरू करेंगे तो वो तो दसियों बीसियों दिन पुराना होता है, उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं, और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं अपने आप को, बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं, हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में, इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अगर आप ईमानदारी से एक काम करें, हम में से कोई भी ये काम करे, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने दो चार व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए, व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, तीनों की मिलाकर बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है, और इससे भी बड़ी एक गिरावट हम में आई है। हम भारत में इतने अद्भुत देश में रहते हैं जिसकी कल्पना किसी देश को नहीं हो सकती। हम भारत में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमको ताजा सब्जी सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, ताजा टमाटर, ताजा मटर, ताजा गाजर, ताजा मूली, ताजा पालक, ताजा मेथी, ताजा बैंगन, ये सारी सब्जियां ताजी की ताजी सुबह भी मिलती हैं, शाम को भी मिलती हैं।
और आपके घर तक आकर कोई देखे जाता है। आप जानते ना, कोई ठेले वाला आता है, कोई खोमचे वाला रेहड़ी वाला आता है और आवाज देके, बहन जी सब्जी ले लो, माता जी सब्जी ले लो, घर के सामने आकर आपकी घंटी बजाकर, आपका दरवाजा खटखटाकर, बोलकर चिल्लाकर आपको घर में ताजा सब्जी देकर जाता है। ये सपना अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। यूरोप में किसी को कल्पना नहीं हो सकती कि सवेरे ताजा सब्जी, शाम को ताजा सब्जी कोई घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाकर बोलकर देके जाए। अमेरिका में तो ताजा सब्जी लानी कल्पना की बात है, क्योंकि सब्जियां सब 7 से 15 दिन पुरानी मिलती हैं। इससे ताजा सब्जी तो कहीं मिल ही नहीं सकती। कोई कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 1-1 महीने पुरानी मिलती है। और सब्जी लानी हो तो 20-25 मील से लेकर 100-150-200 मील तक कार चला के जाना पड़ता है, तब थोड़ी सी सब्जी आप ला सकते हैं। यहां घर के सामने कोई आपको सब्जी देकर जाता है, और सब्जी ही नहीं देता, आपका हालचाल भी पूछ लेता है, माता जी कैसी हैं, बिटिया आपकी कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, आप सब्जी लो या मना लो, वो आपके घर की कुशल क्षेम पूछेगा, आप उसके घर की कुशल क्षेम पूछेंगे, माने हमारा उससे आत्मीय संबंध हो जाता है। ऐसा आत्मीय संबंध किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली संस्कृति में हो नहीं सकता, इसकी कोई कल्पना किसी को नहीं। यूरोप और अमेरिका के लोगों को तो कोई ताजा सब्जी उपलब्ध ही नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि उनके देश में होता नहीं है, बाहर के देशों से उनको सब आयात करके लाना पड़ता है। अब मुझे जो दुख होता है, अफसोस होता है, जिस देश में ताजा टमाटर सुबह भी मिले शाम को मिले, वहां के लोग टमाटो सॉस खाएं जो 2-2 साल पुराना है, पता नहीं 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना। जब ताजा टमाटर मिल रहा है उसकी चटनी बनाकर हम सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, हम बाजार में जाएं और मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस लेके आए और फिर किसी से पूछे भाई क्या है, तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डिफरेंट। वो डिफरेंस क्या है उसमें, 3 महीने पुराना सड़े गले टमाटर का रस, ये है डिफरेंस उसका। ताजा टमाटर हम खरीदें 8-10 रुपए किलो मिले और टमाटो चिली सॉस खरीदें 200 रुपए किलो मिले, ये डिफरेंस है उसका। 8-10 रुपए किलो के ताजे टमाटर की चटनी बना के खाएं, कितना स्वाद आए, और उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के जो जहर है, कैंसर पैदा करने वाले, 3-3 महीने 6-6 महीने साल साल भर पुराना टमाटो सॉस खाएं, ये डिफरेंस है। माने मूर्खता की पराकाष्ठा हमने जो है ना लांग ली है, इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की वजह टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया, ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था, सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था, इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है। जब से हमने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है, महीनों महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू की हैं और महीनों महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है, हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है। घर का बजट तो बढ़ा ही है, बीमारियों का भी बजट बढ़ा है और खर्चा उसकी चिकित्सा का भी बढ़ता गया। इससे भी ज्यादा महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे घर की सब माताएं क्या ज्ञान रखती हैं कि हमारे यहाँ जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं ना, उनको खास तरीके से तैयार करके रखा जाता है। जो चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं, जैसे आम बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे आलू जल्दी खराब होने वालों में गिना जाता है, जैसे गाजर जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे मूली जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे बंद गोभी पत्ता गोभी जल्दी खराब होने वाला, शलजम जल्दी खराब होने, माने जो भी चीजें हमारे घर में हमारे आसपास में जल्दी खराब होती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, उनको हम विशेष तरीके से तैयार करके रखते हैं। और वो विशेष तरीका है अचार डालने का।
हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं, आम के अचार डाले जाते हैं, नींबू के अचार डाले जाते हैं, आंवले के अचार डाले जाते हैं, सब तरह के अचार हमारे घरों में, गाजर का, मूली का, सब तरह के अचार डाले जाते हैं। ये अचार डालना एक तरह से खराब होने वाली वस्तु को लंबे समय की जिंदगी देने का एक तरीका है। मैंने कई माताओं के घरों में 20-20 साल पुराना आम का अचार देखा है। हम 20 साल तक आम को बचा के नहीं रख सकते, लेकिन उसी आम का अचार डालकर 20 साल तक उसको बचा के रख पाते हैं। टमाटर का देखा है, अदरक का मैंने अचार देखा है एक घर में 35 साल पुराना। तो हमारे यहाँ ये अचार डालने की एक बड़ी वैज्ञानिक पुरानी परंपरा माताओं बहनों के द्वारा विकसित हुई है। अब हमारे यहाँ उल्टा हो गया है कि जो घरों की माताएं बहनें ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से, मेथी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया, हींग का उपयोग किया, या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है, और इनको अचारों में मिलाकर ऐसे रखा कि 20-25 साल तक वो सुरक्षित है, नींबू है, अदरक है, वगैरह वगैरह। अब हम इतने ज़्यादा पश्चिमी या विदेशी अंधानुकरण के शिकार हो गए हैं कि अचार डलना ही घरों में अब बंद हो गए हैं। बाजार से पड़ा पड़ाया अचार लाना हमने शुरू कर दिया है और उसको मेज पे और अपने खाने में परोसना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए खरीदे हुए अचार को अगर हम थाली में परोस रहे हैं तो। हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का कितनी गिरावट वाला ये एक उदाहरण है। जहां हजारों साल से ये परंपरा चलती रही, वहां अब कुछ घरों में ये हालत हो गई है, अचार डालना किसी को आता नहीं, उसकी रेसिपी किसी को मालूम नहीं, उसमें क्या किस अनुपात में मिलाया जाता है किसी को अंदाजा नहीं। तो इसलिए बना बनाया बाजार से खरीद लाते हैं डब्बा बंद, और उसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव शरीर को भी नुकसान करते हैं और हमारे भोजन को भी बेस्वाद बनाते हैं। इसी तरह से हमारे भोजन में और भी कई गिरावटें आई हैं। इन गिरावटों की एक लंबी सूची है। एक और बड़ी सांस्कृतिक गिरावट हमारे देश में आई है, वो हमारे गीत संगीत में। हमारा जो गीत संगीत है दुनिया में सबसे अद्भुत है। भारतीय संगीत और भारतीय गीतों के बारे में सारी दुनिया मानती है कि ये कुछ विशेष किस्म का यहाँ संगीत और कुछ विशेष किस्म के गीत यहाँ विकसित हुए हैं भारत में। लेकिन और उसके साथ नृत्य भी है। संगीत के तीन हिस्से हैं हमारे देश में, गायन है, वादन है, नृत्य है। तीनों ही विशेष हैं पूरी दुनिया में, और वो भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जलवायु, हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण आदि आदि को ध्यान में रखकर विकसित हुए। अगर आप भारतीय नृत्यों के बारे में बात करें तो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं इस देश के, वहां पर होने वाले नृत्य, और मैदान के जो क्षेत्र हैं वहां पर होने वाले नृत्यों में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। हम मणिपुर जाएं तो मणिपुरी नृत्य हम देखेंगे। मणिपुरी नृत्य में पद संचालन जो होता है, पांव का संचालन जो होता है, वो बहुत धीरे 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 स्लो मूवमेंट में है। और हम अगर मैदान में आके कथक देखना शुरू करें तो पद संचालन उसमें बहुत तेज है, क्योंकि मैदानी इलाके में तेज पद संचालन पर नृत्य किया जाना बहुत आसान है, संभव है। पहाड़ी इलाकों में तेज पद संचालन पर ना नृत्य हो सकता है, ना उससे शरीर को संभाला जा सकता है। माने नृत्यों का विकास भी हमारे यहाँ हुआ है तो जलवायु और पूरे वातावरण की जरूरत के हिसाब से है। हम हिमाचल प्रदेश का नृत्य देखें, हम जम्मू कश्मीर का नृत्य देखें, हम उत्तराखंड का नृत्य देखें, हम मणिपुर का नृत्य देखें, या नागालैंड का देखें, या मिजोरम का देखें, या त्रिपुरा का देखें, इस पूरे क्षेत्र के नृत्य को आप देखेंगे जो हिमालय से लगा हुआ इलाका है, यहाँ के सभी नृत्यों में एक विशेषता है, पद संचालन बहुत धीमे है, क्योंकि पहाड़ वाले इलाके में होने वाले ये नृत्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की पहले ही बहुत कमी होती है, इसलिए नृत्य ज़्यादा तेज किए जाएंगे, ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी होगी, शरीर के लिए भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम मैदानी इलाके में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहां के नृत्यों को देखेंगे तो इन नृत्यों का पद संचालन बहुत तेज है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और श्वास को लेने में कोई मुश्किल नहीं है। तो नृत्यों का विकास जरूरत जलवायु के हिसाब से होता है। इसी तरह गीत और संगीत का भी विकास वैसे ही होता है, गायन और वादन का। हमारे पहाड़ के इलाके के जो गीत हैं और जो गाने हैं वो बहुत धीमे गाए जाने वाले हैं, जिनकी लय धीमी है और जिनकी ताल मध्य या मंद है,
बाकी जो पहाड़ी इलाके से नीचे आप चले आएंगे मैदानी इलाके में, यहाँ के गीतों की गति बहुत तेज है, उनकी लय भी थोड़ी तेज है और उनका बाकी सब कुछ स्वर व्यंजना भी वैसी ही है। तो नृत्य हो, गीत हो या गायन हो, वादन हो, संगीत हो, ये सब एक खास तरह से विकसित हुआ है इस देश में और हजारों साल की परंपरा में विकसित हुआ है। हमारे यहाँ जो संगीत है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, किसी भी बड़े कलाकार को मैंने जब पूछा आप गाते हैं तो क्यों गाते हैं, तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। किसी को नाचते हुए देखा, आप कथक करते हैं, आप मणिपुरी करते हैं, आप भरतनाट्यम करते हैं, आप कुचिपुड़ी में जाते हैं, आप जो है किसी भी शैली का नृत्य कर रहे हैं, पूछो नृत्य करने वाले से क्यों कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए। कोई गा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई नाच रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई बजा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए। बहुत बड़े संगीतकारों को जो वादन में इस देश में निपुण हैं, प्रवीण हैं, बांसुरी वादक हैं, वायलिन वादक हैं, सितार वादक हैं, सदोर सरोद वादक हैं, कई बार मैंने उनको पूछा तो वो एक ही उत्तर देते, ईश्वर प्राप्ति के लिए। मतलब गीत और संगीत हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्ति का अभिन्न अंग है, भगवान को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है, माने मोक्ष की तरफ ले जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। ये हमारे संगीत का आधार है। अब हमारे यहां पश्चिम का अंधानुकरण हुआ और पश्चिम के अंधानुकरण में, खासकर यूरोप और अमेरिका के अंधानुकरण में, हमारे गीत और संगीत की सारी हालत खराब हो गई। ना हमारा सुर बचा, ना लय बची है और ना ताल बचा है, और ऐसे ऐसे गीत हमारे देश में घुस गए जिनको गाना तो छोड़ दीजिए, जिनके शब्दों का उच्चारण करने में शर्म आती है। हमारे देश में ये फिल्में बनाने वाले जो फिल्मकार हैं, भगवान इनका जितनी जल्दी भला करे उतना अच्छा है, इन्होंने ऐसा सत्यानाश किया है भारतीय गीत संगीत और नृत्य का, पश्चिमी की धुनें चुराते हैं, अमेरिका और यूरोप के गानों की धुनें चुराते हैं और हिंदी शब्द देकर उनको गड़बड़ झाला बनाकर पेश कर देते हैं और एक ऐसा शब्द उसका इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूजन है, माने पश्चिम के गानों की धुन और भारत के भाषा के शब्द, ये जोड़ तोड़ के, अब उसमें ना भारत बचता है ना यूरोप बचता है, वो अधकचरा हो जाता है, ना हम विदेशी हो पाते हैं ना स्वदेशी रह पाते हैं, बीच के हो जाते हैं। इतने रद्दी रद्दी गाने, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, फिर ये फ्यूजन म्यूजिक, और ऐसा म्यूजिक जो ना आपके समझ में ना आए ना मेरे समझ में आए, बस कान में लगाए उसको सिर हिलाते रहते, कुछ पता ही नहीं चलता, पल्ले ही नहीं पड़ता। हमारे देश में बड़ी बड़ी दीवानगी है पश्चिम के कलाकारों के प्रति। एक थोड़े दिन पहले अमेरिका का कलाकार स्वर्गवासी हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, माइकल जैक्सन, अब उसके गाने हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं, समझ में नहीं आता क्या गा रहा है, फिर उसका डांस भी देखते हैं वो भी समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि सर्कस की एक्सरसाइज उसके डांस से अच्छी है, लेकिन लोग पागल हैं, परेशान हैं, दीवाने हैं, वो संगीत भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो उनका संगीत है, उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने बनाया और विकसित किया है। हमारा संगीत हमको समझ में आएगा, उनका उनको, लेकिन ये अंधानुकरण इतना जबरदस्त है कि जो कम उम्र के युवा है ना, 15-16 साल से लेके 20-25 साल के, अगर उनमें से कोई युवा माइकल जैक्सन को देखता और सुनता नहीं है तो वो पिछड़ा माना जाता है, वो 18 सेंचुरी का है, और जो अगड़ा माना जाता है 21st सेंचुरी वाला, वो वही है जो माइकल जैक्सन को सुने, देखे और समझे, हालांकि पता कुछ भी ना चले उसमें। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें हमने हमारे संगीत में कर डाली है, नाश मार दिया है। इतने सुंदर सुंदर गीत इस देश में बने हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत इस देश में चले हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत लोगों के जहन में उतरे हुए हैं, वो सब भूल गए हैं। पश्चिम से आए हुए अमेरिका यूरोप की नकल किए हुए गीतों को हमने जबरदस्ती गाना और दूसरों को बताना, ये हमारे देश में शुरू हो गया। मुझे सबसे ज्यादा दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि भारत में संगीत जो है ना हर एक काम में है, जीवन के हम जितने काम करते हैं बिना संगीत के हम नहीं करते। हमारे घरों में बचपन से हमने देखा और उच्च स्तर तक हर जगह संगीत दिखाई देता हर काम में, क्योंकि हम किसी काम को बोरियत नहीं मानते। हमारे यहाँ कोई भी काम बोरियत भरा नहीं है क्योंकि हर काम में संगीत जुड़ा हुआ है। बच्चे का जन्म हो तो एक खास तरह का गीत
खास तरह का संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है सभी जातियों में, सभी समूहों में। बच्चों का विवाह हो, युवा हो जाएं, तो खास तरह के गीत गाए जाते हैं, खास तरह का संगीत बजाया जाता है। फिर इसी तरह से जीवन के कोई भी काम हम करें, जैसे हम खेत में गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, मक्की डाल रहे हैं, बाजरी डाल रहे हैं, तो मैंने गांव में देखा है माताओं को खास तरह के गीत गाते हुए वो खेतों में बुआई का काम करती हैं, और खास तरह के गीत गाते हुए कटाई की जाती है, खास तरह के गीत गाते हुए धान को घर में लाया जाता है, खास तरह के गीत गाते हुए उसको सहेजा जाता है, संवारा जाता है। माने हर काम हमारा गीत संगीत से जुड़ा हुआ है और खास तरह का, विशिष्ट तरह का है। पश्चिम में तो कुछ है नहीं ऐसा, यूरोप में तो कुछ ऐसा है नहीं, अमेरिका में तो कुछ ऐसा है नहीं। जीवन का हर काम संगीत के साथ किया जाए ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो भारत में ही है। शायद इसलिए है कि भारत में किसी काम में बोरियत नहीं आनी चाहिए, वो काम बोझा नहीं लगना चाहिए, इसलिए गीत संगीत के साथ शुरू किया जाता है और खत्म किया जाता है। मैंने तो, मुझे बचपन का याद है, गांव में एक दूसरे का घर बनाने में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग भी खास तरह के गीत और संगीत से ही करते रहते हैं। किसी के घर में छप्पर डालना है, किसी के घर का छप्पर उतारना है, किसी के घर में खपरेल डालनी है, किसी के घर की खपरेल बदलनी है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, खास तरह के गीत गाए जाते हैं और ये सब काम होता चला जाता है। और भारत में ये गीत संगीत जो विकसित हुआ है, इसमें दो हिस्से रहे हैं, एक तो लोक व्यवहार में, जिसको हम लोक धुनों वाले गीत कहते हैं, लोक धुनों वाला संगीत कहते हैं, और एक शास्त्रीय पक्ष का है संगीत और गीत। ये शास्त्रीय पक्ष के जो संगीत और गीत के हिस्से हैं, इनमें राग हैं, रागनियां हैं, सैकड़ों किस्म के राग हैं, सैकड़ों किस्म की रागनियां हैं, और लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सालों साल उसमें जिंदगी लगा देते हैं। कई ऐसे भारत में संगीत के कलाकार रहे हैं, 40-40 साल, 50-50 साल सीखते रहे, और उनको पूछा जाता है कितना सीखा, कहते हैं बहुत थोड़ा सा सीखा, अभी बहुत सीखना बाकी है। माने संगीत का इतना विशाल महासागर जिस देश में रहा हो, सैकड़ों किस्म के राग, सैकड़ों किस्म की रागनियां, सैकड़ों किस्म की ताने, सैकड़ों किस्म की धुने, या बल्कि कहें तो हजारों किस्म की धुने, हजारों किस्म की ताने, हर स्थानीय जाति समूह की अपनी धुन। अगर आप किसी बांसुरी वादक अपने भाई से को पहाड़ी धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है वो बांसुरी पर, और मैदानी धुन सुनाओ तो वो बिल्कुल अलग है बांसुरी पर। सितार पर उनको कहो कि पहाड़ी धुन सुनाओ तो अलग है, बांसुरी पर धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है। तो जब पहाड़ी धुन अलग है, मैदानी धुन अलग है, और उन धुनों के नीचे वर्गीकरण इतने ज्यादा हैं, इतना विशेष किस्म का संगीत और गीत जिस देश में विकसित हुआ हो, वहां के लोग ले दे के वो माइकल जैक्सन पर नाचे गाएं, या माइकल जैक्सन जैसा, बीथोवन, जॉर्ज जैसे संगीत पे नाचे गाएं जो ना समझ में आता है, ना उसका ए पता है, ना जेड पता है, ना का पता है, ना खा पता है, बस हो रहा है तो कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे कर लेना है, किसी तरह शरीर को इधर उधर हिला लेना है, वहां हम जाकर फंस गए हैं। ये हमारे गीत संगीत का बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक अधपतन। हमारे बच्चों को बचपन से शिक्षा में जो संगीत पहले शामिल होता रहा, गुरुकुलों की जो शिक्षा पद्धति इस देश में रही है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि गुरुकुलों में बच्चों को बचपन से पहली कक्षा में दो ही चीजें सिखाई जाती थी, गणित और संगीत। संगीत और गणित बच्चे इस देश में बचपन से सीखा करते थे पहली कक्षा से। तो जब आप संगीत के साथ चीजें सीखेंगे तो आपको कोई चीज बोझल होने वाली नहीं है, तो जीवन में आनंद ही आनंद आपको मिले। तो भारत में हर काम करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती रही है, उसका एक बड़ा आधार रहा है हमारा संगीत, हमारे गीत। लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और उनको खत्म होने में या खत्म कराने में फिल्मों को बनाने वालों की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे देश का जो लोक जीवन का संगीत है, लोक जीवन के जो गीत हैं, वो फिल्म वालों ने उनका बहुत नाश किया है। एक जमाना था जब 1960 के पहले, 1970 के पहले की फिल्में बनती थी तो लोक जीवन के गीत और संगीत दोनों उनमें रहता था। अब 1980 के दशक के बाद की जो फिल्में बन रही हैं, वो पूरी तरह विदेशी फिल्मों की नकल है। और अभी तो इतना बुरा हाल है हमारे देश में कि विदेशी फिल्म की पूरी कहानी चुरा लेते हैं, बस हिंदी भाषांतरित करके उसकी फिल्म बना के बाजार में डाल देते हैं। इतना बुरा हाल है। इस देश के जितने भी फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, उनमें 2-4-6-10 को छोड़ दिया जाए
तो बाकी सब नकल करने में लगे हुए हैं, हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं और मुंबई में उनको रिलीज करा लेते हैं, अमेरिका की फिल्मों की नकल करते हैं, यूरोप की फिल्मों की नकल करते हैं, पूरी स्टोरी पूरा प्लॉट वहां से चुरा लेते हैं और हिंदी में या किसी भाषा में प्रस्तुत उसको कर देते हैं। बहुत ज्यादा अधःपतन है ये हमारी संस्कृति का। और इसी तरह का एक अधःपतन हमारे यहाँ है गीत संगीत के साथ, वो हमारे साहित्य में भी है। हमारा साहित्य जो एक जमाने में सारी दुनिया में सिरमौर रहा, संस्कृत साहित्य जिसकी चर्चा यूरोप में होती रही है, कालिदास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं बहुत बार उनकी चर्चा यूरोप में हुई है। हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास के रचित जो ग्रंथ हैं वो सारी दुनिया में चर्चा के विषय रहे। साहित्य जो इस देश में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है कभी, वो साहित्य में भी पश्चिम की नकल, अंग्रेजों की नकल, अमरीका की नकल अब घुस गई। हमारे आज के जो साहित्य के लेखक हैं और लेखिकाएं हैं ये भी सब नकल में लगे हुए हैं। इस समय साहित्य की किसी भी पत्र पत्रिका को उठाकर अगर पढ़ें या कोई भी नई छपी हुई पुस्तक को देखें तो पता चला अमेरिका में कोई कहानी लिखी गई छपी, वो भारत में नकल होके यहाँ की किसी पत्रिका में आ गई। यूरोप के किसी शहर में कोई बड़ी कहानी छपी लिखी या उस पर चर्चा हुई, वो नकल होके भारत की पत्रिकाओं में छप गई। कविताओं में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की, कहानियों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की, नाटकों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की। मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और भारत के हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नाटक होते रहते हैं और नाट्य संस्थाएं हैं। 90% से ज्यादा नाटक और नाट्य संस्थाएं विदेशों की नकल करके ही नाटक लिख रहे हैं और नाटकों का प्रस्तुतीकरण इस देश में कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। नाटक का जन्म जिस देश में हुआ हो, आप जानते हैं सारी दुनिया के साहित्यकार कहते हैं कि नाटक विधा का जन्म भारत से हुआ, कहानी विधा को लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ, कविता विधा का लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ। तो नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, जिनका जन्म ही भारत से हुआ, अब उस भारत में कहानी, नाटक और कविता सारी विदेशों से आयात की जाए और उसका रूपांतरण करके अनेक अनेक भाषाओं में लिखा जाए, बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है। यहाँ भी हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है। और अभी तो बहुत दुख होता है इससे भी ज्यादा कि कहानी में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, कविताओं में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, नाटकों में जो विषय उठाए जाते हैं, वो भी सब विदेशी हैं, जो भारत से किसी का कोई लेना देना नहीं। जैसे परम पूजनीय स्वामी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा समलैंगिकता, ये समलैंगिकता विदेशी मुद्दा है, यूरोप का मुद्दा है और उसके कारण है उसके पीछे। और कारण उनके यहाँ ये है, वो ये कहते हैं यूरोप के सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि शरीर का आनंद ही चरम आनंद है। हम बिल्कुल इससे उल्टी बात मानते हैं, हम मानते हैं ईश्वर प्राप्ति का आनंद ही चरम आनंद है। भारत में चरम आनंद की स्थिति ईश्वर प्राप्ति में है, यूरोप में चरम आनंद की स्थिति शरीर के सुख में है। तो यूरोप में जो भी किया जाता है वो शरीर के सुख के लिए किया जाता है और भारत में जो भी किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो हम संगीत में जाएं, हम गीत में जाएं, हम नृत्य में जाएं, कहानी में जाएं, कविता में जाएं, नाटक में जाएं, हम चित्रकारी में जाएं, कलाकारी में जाएं, कहीं भी जाएंगे, हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और इच्छाओं से मुक्ति। यूरोप वाले और अमेरिका वाले चाहते हैं शरीर का सुख, शरीर का सुख, शरीर का सुख। तो उनको शरीर का सुख एक तरीके से लेना, थोड़ी देर के बाद उसमें ऊब हो जाती है तो दूसरे तरीके से लेना, फिर उसमें ऊब हो जाती है तो तीसरे तरीके से लेना, फिर उसमें ऊब आ जाती है तो चौथे तरीके से लेना। तो चूंकि शरीर का सुख ही सब कुछ है और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये शरीर एक बार ही मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं, ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं ना पूर्व जन्म को मानते हैं। यूरोप की सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जो जमीन आसमान का एक अंतर है वो ये कि हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। यूरोप वाले ना पुनर्जन्म को मानते हैं ना पूर्व जन्म को मानते हैं, वो कहते हैं जन्म एक ही है, अब इस जन्म में ये शरीर मिल गया, इसमें जितना सुख लेना है ले लो, जितना भोग करना है भोग लो, तो सुख में डूबना है, भोगों में डूबना है, उसके लिए समलैंगिकता में जाना पड़े तो
वहां चले जाओ, और किसी काम में जाना पड़े तो वहां चले जाओ, वो सब कुछ सुख प्राप्ति है शरीर के माध्यम से। इसलिए उनके यहां समलैंगिकता एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इतना बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना चुनाव जीतने के लिए इस पर वायदा करना पड़ता है, तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है। यूरोप के देशों की सरकारों में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं उनको वायदा करना पड़ता है कि समलैंगिकता के प्रश्न पर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है। माने समाज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो, और इतना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगाओ कि अमरीका के राष्ट्रपति को कानून बनाना पड़ता है कि समलैंगिक लोग सेना में रह सकते हैं, समलैंगिक लोग वायुसेना में रह सकते हैं, समलैंगिक लोग जल सेना में रह सकते हैं, माने वहां की पुलिस में रह सकते हैं, कानून में रह सकते हैं, शिक्षा में रह सकते हैं, हर जगह समलैंगिक लोगों के लिए आधार बनाना पड़ता है, स्थान देना पड़ता है, क्योंकि उनके समाज का सबसे प्रमुख विषय है। भारत के समाज के लिए यह कोई विषय ही नहीं है, हमारे समाज के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हमने शरीर के सुख को जीवन का अंतिम सुख माना ही नहीं है कभी। हमारे यहां तो ईश्वर की प्राप्ति ही अंतिम सुख है और उसी में चरम आनंद है, और उसी लिए सच्चिदानंद की कल्पना इस देश में की गई है। तो हमारी तो प्रश्न अलग है, मान्यताएं अलग है, और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं अलग है, इसलिए भारत में समलैंगिकता कोई विषय नहीं है। लेकिन पश्चिम के मीडिया ने भारत में समलैंगिकता का विषय बनना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए और समाज में बंटवारा होना चाहिए, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, उसकी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की है, और उसी कोशिश का दुष्परिणाम है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका, ये उसी का अंतिम हिस्सा है। इसके पीछे पूरा पश्चिम का जगत लगा हुआ है, मीडिया लगा हुआ है, क्यों? वो जानते हैं कि भारत में अगर ये विषय चल पड़ा और भारत के लोगों के द्वारा ये विषय अगर स्वीकृत हो गया तो कितना बड़ा बाजार उनको यहाँ मिल जाएगा, जो समलैंगिक लोगों की वस्तुओं की बिक्री के लिए यूरोप और अमेरिका में भी उपलब्ध नहीं, उनको यहाँ का बाजार दिखाई देता है, इसलिए उनको भारत के विषय बदलवाने हैं। तो अब इस विषय को बदलवाने की कोशिश एक तो मीडिया के द्वारा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, और दूसरा फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ कविताएं, कहानियां, नाटक छापने वाली पत्रिकाएं खूब इस विषय को आजकल उठा रही हैं और इस विषय में कहानियां लिखवाई जा रही हैं, इस विषय में कविताएं लिखवाई जा रही हैं, नाटक किए जा रहे हैं, नाटक लिखवाए जा रहे हैं, नाटक दिखाए जा रहे हैं। कारण एक ही है, वो भारत के मूल विषयों से ध्यान हटाकर कुछ ऐसे विषयों में ध्यान लगाना चाहते हैं जो अंत में हमको सांस्कृतिक अधःपतन की तरफ ही ले जाते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि पश्चिम की नकल करके हमने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को एकदम ताक पर उठाकर रख दिया है और फालतू चीजों की बहस में हम पड़ गए। इसी तरह का और मुझे एक सांस्कृतिक अधःपतन इस देश में नजर आता है, वो ये कि भारत देश में एक सूत्र वाक्य रहा है और हजारों साल इस वाक्य की भारत के लोगों ने मान्यता रखी है और अपने आचरण में उसको ढाला है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। मूल रूप से ये भावना है, माने नारियों का स्थान इस देश में हमेशा नर से ऊंचा ही रहा है, और वैसे भी नर जो है ना नारी से भारी नहीं हो सकता, नारी में दो दो मात्राएं हैं, नर में नहीं है। तो नारी हमेशा इस देश में नर के ऊपर रही है, और इस देश में जब जब परंपरा में हमारी मान्यता में हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं, सीता राम की बात करते हैं, राम सीता की बात कम होती है, नारायण लक्ष्मी की बात कम होती है, ना लक्ष्मी नारायण की बात होती है, सीता राम की बात होती है, माने उमा महादेव की बात होती है। तो हमारे यहाँ तो यही है, नारी तो हमेशा ऊपर है। कारण उसका है कि भगवान ने कोई विशेष गुण दिए हैं उनको, और जीवन को चलाने में उनकी क्षमता हमेशा नर से बड़ी है। हम सामान्य रूप से अपने जीवन में देखते हैं किसी बच्चे का पिता मर जाए लेकिन माँ जीवित हो, उसका लालन पालन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाता है। जिस बच्चे की माँ मर जाए भले पिता जीवित हो, उसका लालन पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसकी माँ चली गई उस बच्चे को संस्कारों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये भारत में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो माँ का होना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन की प्रक्रिया में, इसलिए माँ का स्थान भी ऊंचा है इस देश में। और माँ का स्थान ऊंचा रहा वैदिक काल में तो सबसे ऊंचा रहा है, और वैदिक काल के बाद मध्य काल में भी 8वीं शताब्दी तक बहुत ऊंचा रहा है। ये जब से विदेशी हमले हुए और विदेशी सभ्यता में हम थोड़े से पराधीन होते गए, विदेशी आचार विचार हमारे जीवन में आ गया, विदेशी आक्रमणकारियों के जीवन शैली से हम प्रभावित होने लगे, तब से हमारे नारियों का स्थान नीचे होना शुरू हो गया और वो गिरता चला गया। अंग्रेजों के जमाने में तो सबसे ज्यादा गिर गया, फ्रांसीसियों के जमाने में, पुर्तगालियों के जमाने में बहुत गिरा, अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा गिरा, उसके पहले थोड़ा बहुत मुगल शासन काल में भी गिरा। तो वो गिरावट हम में आती गई, अब वो गिरावट हमारी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन आजादी के बाद हम जब इस सारे विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गए, ये गिरावट रुकी नहीं है, ये बढ़ती ही चली जा रही। इसका मतलब क्या है? विदेशी प्रभाव से शारीरिक रूप से हम मुक्त हो गए, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं मन से और आत्मा से अभी भी हम विदेशी प्रभाव में ही हैं। तो नारी को देखने की जो दृष्टि अंग्रेजों के समय में, नारी को देखने की जो दृष्टि फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के समय में इस देश में आई, कमोवेश वही दृष्टि अभी भी हमारी आंखों में बसी है और उसी का प्रभाव है जो नारियों की इस देश में बेइज्जती और दुर्गति हो रही। अंग्रेजों की मान्यता, यूरोप वालों की जो मान्यता है ना, वो नारी के लिए पता है क्या है? बहुत खराब लगता है। सारे यूरोप के दार्शनिक एक बात पर सहमत हैं और वो बात ये है कि नारी में आत्मा नहीं होती। यूरोप के सभी दार्शनिक ये कहते हैं। अरस्तु कहता है, सुकरात कहता है, लेबनिट्ज़ कहता है, डिकार्ते कहता है, सारे यूरोप के दर्शन शास्त्री एक से लेकर अंतिम तक सब कहते हैं स्त्री में आत्मा नहीं होती, और स्त्री वस्तु के तरह की होती है, जैसे मेज होता है, जैसे कुर्सी होती है, वैसे स्त्री होती है, जैसे कपड़े होते हैं वैसे स्त्री होती है। मेज कुर्सी को समय आने पर फेंक दिया जाता है, वैसे स्त्री को फेंक दिया जा सकता है। समय आने पर मेज कुर्सी को बदल दिया जाता है, ऐसे स्त्री को बदल दिया जाता है। तो यूरोप और अमेरिका के दार्शनिकों ने ये जो मान्यता बनाई और उस मान्यता के हिसाब से अपने देश में सैकड़ों साल उन्होंने जीवन चलाया, वही मान्यता धीरे धीरे हमारे देश में भी आई जब हम यूरोप और अमेरिका के प्रभाव में आ गए, और समाज के एक वर्ग में, भारत में विशेष रूप से जो अंग्रेजी से प्रभावित है, अंग्रेजियत से प्रभावित है, उसमें भी ये चेतना बैठ गई है कि स्त्री वस्तु है, मेज कुर्सी की तरह से, पेंट कमीज की तरह से, जब चाहो इसको बदल दो, जब चाहो इसको उठाकर फेंक दो, जब चाहो इसका उपयोग करो, जब चाहे इसका उपभोग करो, और जरूरत पड़ने पर उसके हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ करो। उसका ही दुष्परिणाम है कि हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया दहेज के लिए, हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया छेड़खानी के लिए, हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया उनके गर्भ में ही मर जाने के लिए। माने इतनी खराब स्थिति हमारे देश में आ गई है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाए क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, गर्भ में से जन्म लेकर अगर आ जाए तो छेड़खानी में मार दिया जाए क्योंकि वो हमारी नहीं सुनती हैं, दहेज की हत्या कर दी जाए क्योंकि वो अपने साथ वस्तुएं लेके नहीं आई हैं। ऐसा माहौल पूरे देश में बन गया है, और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बहुत दर्दनाक है, हर घंटे में 2 माताएं या 2 बहनें हमारी दहेज के लिए मार डाली जाती हैं, हर घंटे में 3 से ज़्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, हर घंटे में 4 से 5 बहनों माताओं बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो जाती हैं इस देश में, और यह बढ़ता ही जा रहा है, बहुत खराब है। 1 करोड़ से ज़्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है इस देश में, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक है उस देश में जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति रही हो। अब वो हम इतनी नीचे, इतनी गिरावट में आ चुके हैं। तो हम इस विदेशी प्रभाव में इतने जकड़ गए हैं कि जिस विदेश में स्त्रियों की इज्जत सम्मान कभी रहा नहीं, वैसी ही बेइज्जती और असम्मान हमने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, पहली बार मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में किसी भी माँ को, बहन को, बेटी को वोट डालने का अधिकार नहीं था 1950 तक, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि स्त्रियों में कोई आत्मा होती है। और सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक यूरोप की अदालतों में 2 या कभी कभी 3 माताओं की गवाही
या तीन बहनों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जाता था, माने तीन स्त्रियां एक पुरुष के बराबर। यह सैकड़ों साल हजारों साल यूरोप की अदालतों में होता रहा। रोमन साम्राज्य जिसकी चर्चा सारी दुनिया में की जाती है, इस रोमन साम्राज्य में यह नियम था कि तीन स्त्रियां जो बात कहें वो बराबर है एक पुरुष की कही गई बात के। इतनी खराब स्थिति महिलाओं की रही है, और उस खराब स्थिति से यूरोप को बाहर आने में सैकड़ों हजारों साल लगे हैं, और उसके लिए वहां पर बहुत आंदोलन चले, और उन आंदोलनों का नेतृत्व बहुत सारी तेजस्वी महिलाओं ने यूरोप में किया, और काफी आंदोलन चलाने के बाद आज स्थिति वहां बदली है। फिर भी अभी पूरी नहीं बदली है। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप खंड के ऐसे कई देश हैं जहां माताओं को, बहनों को, बेटियों को पुरुषों से कम वेतन मिलता है एक ही पद के लिए। एक पुरुष है वो मैनेजर है, एक स्त्री है वो भी मैनेजर है, दोनों का पद बराबर है, लेकिन सिर्फ स्त्री है इस कारण से उसको वेतन कम मिलता है, और वो पुरुष है इस कारण से उसको वेतन ज्यादा मिलता है। अभी भी कई देशों में ये स्थिति है 21वीं शताब्दी के आने के बाद भी। 40 साल पहले तक यूरोप के देशों में बैंकों में माताओं को खाते खोलने का अधिकार नहीं था। माताएं, बहनें, बेटियां खाते नहीं खोल सकती थी। खाता खोलते थे या तो उनके पिता या उनके पति, उनमें वो अपना जॉइंट अकाउंट रख सकती थी, अलग से स्वतंत्र रूप से खाता खोलने का अधिकार उनको नहीं था। इतनी गिरावट उनके यहां स्त्रियों और माताओं को लेकर रही है समाज में, उसी का असर हमारे देश पर भी आ गया, क्योंकि 250 साल हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और उसके पहले विदेशी प्रभाव में थोड़े बहुत आ गए, तो उसका असर अब चलते चलते यहां तक आया कि भारत में भी दहेज हत्याएं, भ्रूण हत्याएं, माताओं के साथ छेड़खानी, माताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, माताओं को, स्त्रियों को, बेटियों और बहनों को भोग की वस्तु समझना, उपभोग की वस्तु समझना, इसलिए उनके साथ छेड़खानी करना, इसलिए उनके साथ अन्य खराब से खराब अपराध करना, ये भारत में भी बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की पराकाष्ठा है। अगर हम स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान नहीं जगा पाएंगे, दिला पाएंगे, तो शायद इस समाज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि माताएं आधी आबादी हैं और कहीं कहीं भारत में आधी से ज्यादा आबादी हैं। केरल जैसे राज्य की बात करें तो कुल जनसंख्या में माताओं का हिस्सा आधे से ज्यादा है। अगर उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम की, वहां भी कुल मिलाकर माताओं का हिस्सा पुरुषों से ज्यादा है। कुछ ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ें, मध्य प्रदेश को छोड़ें, तो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में माताओं का हिस्सा आबादी में पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए माताओं की बेइज्जती करके, उनका अपमान करके, उनका तिरस्कार करके, उनकी उपेक्षा करके कोई काम इस देश में नहीं किया जा सकता, वो बदलाव का हो या व्यवस्था परिवर्तन का हो। व्यवस्था परिवर्तन का, बदलाव का कोई भी काम हमें करना पड़ेगा तो माताओं के, बहनों के, बेटियों के पूर्ण सहयोग से ही हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये बात जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी देश के लिए कोई बड़ा काम करने की हम कोशिश कर पाएंगे या समर्थ हो पाएंगे। तो भारत के ये जो सांस्कृतिक पतन की कहानी है ये अनेक अनेक स्तर पर है। एक दो बातें और कहूं, एक और जगह हमें सांस्कृतिक पतन दिखाई देता है, वो हमारे रोज के दैनिक व्यवहार में। दैनिक व्यवहार में हम छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े जो काम करते हैं उसमें हमें इतनी ज्यादा नकल दिखाई देती है पश्चिम की, बहुत खराब लगता है, बड़ी दिल को कोफ्त होती है, बहुत चोट लगती है दिल को। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, हमारे दैनिक जीवन में जो नियमित होने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना है विवाह की। हमारे यहाँ विवाह होता है, शादी होती है, तो बहुत सारे विवाह और शादियां वैदिक पद्धति से होते हैं और बहुत सारे विवाह और शादियां पौराणिक पद्धति से होते हैं। इसमें भी सबसे खराब जो बात मुझे दिखाई देती है वैदिक पद्धति से होने वाले विवाहों में और दूसरे विवाहों में, जो सबसे खराब बात पश्चिम की नकल है, वो ये ब्रास बैंड बजाते हैं बारात लेके जाते हैं। ये जो बारात जाती है और इसमें जो ब्रास बैंड, ब्रास समझते हैं, वो भोपू जैसा जो बजाते हैं, बड़ा ही दम लगती है, उसमें पूरे फेफड़े फूल जाते हैं, 8-10 ब्रास रहते हैं, उसके साथ वो बैंड रहता है, ढम 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 आवाज करता है, ब्रास तो इतनी तेज आवाज करता है। तो ये ब्रास और बैंड जो बजाए जाते हैं बरातों के आगे, एक जुलूस चलता है, ये पूरी की पूरी नकल है अंग्रेजों की।
स्कॉटिश लोगों की, अंग्रेजों की, आयरिश की या यूरोपियन लोगों की। यूरोप में यह परंपरा है, खासकर इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, कि यह ब्रास और बैंड तब बजाया जाता है जब दूसरे दुश्मन पर हमला करने के लिए जाया जाता है। उनके यहां ब्रास बैंड बजाते हैं, लेकिन जब एक राजा दूसरे राजा पर हमला करने जाए, आक्रमण करने जाए, चढ़ाई करने जाए, तब वो ब्रास बैंड बजाते हैं और सेना के आगे आगे चल के जाते हैं। ये जो ब्रास बैंड वाले लोग होते हैं, ये आर्मी के आगे चलते हैं ताकि आर्मी में जोश भरे, उत्साह भरे और जाकर वो दूसरे दुश्मन पर टूट पड़े, हमला करे। और यहां मूर्ख भारतवासी शादियों में और बरातों में वो ब्रास बैंड लेके जाते, पता नहीं किस पे हमला करने जा रहे। अगर आप भारत में किसी भी महान व्यक्ति की विवाह और शादी की पद्धति के बारे में जानने की कोशिश करें, श्री राम की शादी हुई, वो भी बरात लेके गए, लेकिन ब्रास बैंड थोड़ी लेके गए। हमारे यहां पुराने, अभी से लेके पुराने तक जितने भी महापुरुषों किसी की भी शादी और ब्याह के बारे में देखेंगे, कहीं ब्रास बैंड नहीं है। ये अंग्रेजों की भारत में जब दखल हुई और उनकी आर्मी यहां आकर रहने लगी और उनकी आर्मी में ये ब्रास बैंड बजने लगा, क्योंकि उनको हमला करना रहता था, कभी भारत के एक राजा पर, कभी दूसरे राजा पर, कभी तीसरे राजा पर, कभी चौथे राजा पर, तो अंग्रेजों की फौज में ये ब्रास बैंड बजता रहता था। बाद में जब अंग्रेज गए, तो अंग्रेज चले गए, वो ब्रास बैंड को यहीं छोड़ गए और हमने उसको बजाना शुरू कर दिया शादी और बरातों में। इतना खराब लगता है, कान फोड़ने वाला तो उसमें से संगीत निकलता है, कान फोड़ने वाला वो ड्रम बजता रहता है, सबको इरिटेशन होता है, जो भी बारात में चलता है सबको सिरदर्द रहता है, वो इतना खराब बजता है बैंड और ब्रास दोनों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उसको बंद करा दे। और जिस घोड़े पे चढ़ के वो दूल्हे राजा बैठे हैं, वो घोड़े को भी तकलीफ होती है उसकी आवाज से, वो भिदकता रहता है, कूदता रहता है, फिर भी घोड़े को कंट्रोल करके रखेंगे। मूर्ख लोग ये ब्रास बैंड बंद नहीं कराते। कोई लोग कहते हैं कि अगर आप इनको बंद करा दोगे तो बजाने वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। कोई बेरोजगार नहीं होगा, वो सब शहनाई बजाएंगे। शहनाई भारतीय वाद्य है, ये ब्रास जो है ना अंग्रेजी वाला वाद्य है। शहनाई हमारे यहाँ बजती है, हर शुभ काम में शहनाई बजती है, हर मंगल काम में शहनाई बजती है। हमारे यहाँ शहनाई की धुन सुनो तो मन में शांति और आनंद का उत्साह होता है, और ये ब्रास बैंड की धुन सुन लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इतना अंतर है। तो हम सबको एक अभियान चलाना है इस देश में कि शादियों में ये ब्रास बैंड बंद कराइए, ये सबसे ज्यादा सांस्कृतिक पतन है पूरे देश। और उसकी जगह शहनाई बजवाइए, शहनाई बजवाइए, तुरही बजवाइए, हमारे यहाँ बांसुरी बजवाइए। बजाने के लिए कोई वाद्य यंत्रों की कमी नहीं है, उसी को क्यों बजाएं जो अंग्रेजों की देन है। तो ये एक बदल होना चाहिए, ये बहुत सांस्कृतिक पतन हो चुका है हमारा इस मामले में। और इसके अलावा दूसरा एक सांस्कृतिक पतन और हुआ है, भारत में सारे शुभ काम, सारे अच्छे काम दिन में किए जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में किए जाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में किए जाते हैं। अब ये विवाह जैसा काम रात 12 बजे करना शुरू कर दिया हमने, ये एक और सांस्कृतिक पतन है हमारे देश का। रात में 12 बजे लग्न हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी हो रही है, ये रात 12 बजे तो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता, सारे अच्छे काम दिन में किए जाते हैं, शुभ मुहूर्त दिन का होता है। अभी भी मैं मानता हूं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत थोड़ा बचा हुआ है, जहां विवाह अभी भी दिन में होते हैं या गोधूली के पहले हो जाते हैं। ये उत्तर भारत और मध्य भारत में तो एकदम विनाश आ गया है, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे बारात आ रही है, लग्न हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं वहां। ये भी हमें बदलना पड़ेगा। जब हम मानते हैं अग्नि को साक्षी रखकर, सूर्य को साक्षी रखकर, हमारे यहाँ देवताओं में जो दिखते हैं और जिनको हम सबसे आसानी से समझ सकते हैं वो सूर्य हैं, तो उनकी उपस्थिति में, उनके साक्षात्कार में जो काम होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा पवित्र होगा। तो दिन में शादियाँ करानी है, ये शादियों के ब्रास बैंड बंद कराने हैं। और शादियों में ब्रास बैंड की धुनों पर जो उल्टे सीधे गाने बजते हैं, ये तो सबसे जल्दी बंद कराने, इतने बेहूदे, इतने उल्टे सीधे गाने बजाते हैं, ना हम सुन सकते हैं ना किसी को सुना सकते हैं। खराब खराब गाने, खराब खराब धुने और खराब खराब शब्द,
ये अश्लील गाने, अश्लील धुने, अश्लील शब्द, ये सब हमें बंद कराने चाहिए। शादी जैसे पवित्र कामों में तो इसका कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक दो छोटी बातें और कहूं कि हमारा सांस्कृतिक पतन और भी कई जगह हुआ है। जैसे घरों में बच्चों का जन्म होता है तो हम उनके नाम रख लेते हैं अंग्रेजों के नाम के, टोनी, टिंकू, ट्विंकल, डिंपल, बबली, डबली, डॉली, और पूछो किस नाम का अर्थ है, कोई मालूम नहीं। टोनी का क्या अर्थ है, ट्विंकू का क्या अर्थ है, डिंपल का क्या अर्थ है, ट्विंकल का क्या अर्थ है। और मुझे इतना विचित्र लगता है ये कि किसी के भी घर में जाओ, पिताजी का नाम राम निवास, राम दयाल, रामचरण, माता जी का नाम गायत्री देवी या कोई और, सब हिंदू नाम है, भारतीय नाम है, गायत्री देवी हो, रामचरण हो, गायत्री माता हो या रामदास हो, कोई भी हो, बेटे का नाम टिंकू है, बेटी का नाम डिंपल है, बेटी का नाम ट्विंकल है। अब समझ में नहीं आता कि गायत्री देवी और रामचरण के टिंकू कहां से आ गए या गायत्री देवी और रामदास के डिंपल टिंपल कहां से आ गई। इतने खराब लगते हैं ये नाम। और कई नाम तो ऐसे हैं जो यूरोप में कुत्तों के रखे जाते हैं, वो हम हमारे बच्चों के रख लेते हैं। यूरोप के कुत्तों के नाम और भारत के बच्चों के नाम एक जैसे होने लगे। हमारे पास संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं है, हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है, मातृभाषा में बांग्ला में, असमिया में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में नामों की कोई कमी नहीं है। क्यों फालतू में ये ड्विंकल, टिंपल, बेबी, डबली, बबली, टिंकू, टोनी आदि आदि नाम हम रखते हैं। और इन नामों के अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत खराब लगता है। एक बार मैं पुरानी अंग्रेजी डिक्शनरी पलट रहा था, उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, और यहां हमने अपने अच्छे खासे आज्ञाकारी बेटे को टिंकू बना के रखा हुआ, और बार बार वो सुनेगा टिंकू 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 तो जरूर हो ही नहीं वाला है वो वैसे। तो ये अंग्रेजियत वाले नाम क्यों रखे हैं, अंग्रेजियत वाली शादी पद्धति हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं, अंग्रेजियत वाली वेशभूषा पहन के अपने जीवन को क्यों निभाएं, अंग्रेजियत वाला खाना खा के अपने भोजन पद्धति को क्यों गाली दें, ये सब हमें अपने स्तर पर करना है और इस पर बहुत ज्यादा गहराई से चिंतन करके रास्ता निकालना है। अब एक छोटे से आखिरी विषय पर मैं आपसे और बात करना चाहता हूं कि सांस्कृतिक पतन में हमारे यहाँ बहुत बड़ा पतन हुआ है जो बहुत गहरा हो गया है, हमारी स्मृति से वो बिल्कुल निकल गया है, निपट गया है। भारतीय काल गणना, हमने भारतीय काल गणना को विदेशी परंपरा में बिल्कुल डुबो दिया। भारतीय काल गणना और विदेशी परंपरा में डुबो दिया, इसका मतलब क्या, हम अब अपने समय की गिनती करते हैं अंग्रेजों के पद्धति से या अंग्रेजियत की पद्धति से। हम समय को गिनते हैं सेकंड में, हम समय को गिनते हैं मिनट में, हम समय को गिनते हैं आवर्स में, या हम समय को गिनते हैं मंथ्स में, या वीकेंड में, या फोर्टनाइट में, या ईयरली, जो भी गिन रहे हैं, ये सब अंग्रेजों वाले तरीके से और अंग्रेजी पद्धति से। भारतीय पद्धति से भी समय की गणना होती रही है, ये सामान्य लोगों की बुद्धि और विचार में से ही निकल गया। जनवरी गिनते हैं, फरवरी गिनते हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरी की पूरी अंग्रेजियत की पद्धति है, विदेशी पद्धति है। हम भूल गए हैं, सामान्य रूप से आज की पढ़ाई में से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक, ये महीने याद नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च सबको याद, घरों में कैलेंडर भी ये जनवरी, फरवरी, मार्च के ही हैं। और इसको ज्यादा लोग कहते हैं कि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, मेरे समझ में नहीं आया। रोमन में कुछ शब्द होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। अब इसमें जरा उल्टी बात करें, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है। सितंबर एक रोमन शब्द से आया, सेप्ट, SEPT, सेप्ट, सेप्ट माने होता सात, तो उसमें से सितंबर आया। ऑक्ट, OCT, ऑक्ट है माने आठ, उसमें से अक्टूबर आया। और ये नवम का जो NOV है ना, ये जो है ना नाइन है, और दिसंबर का दस है। अब अगर आप देखेंगे वास्तव में तो सितंबर सातवां महीना होना चाहिए रोमन के हिसाब से, और इन्होंने नकल की अंग्रेजों ने रोमन लोगों की, तो सितंबर बनाया।
तो सितंबर सातवां महीना होना चाहिए। कौन सा है? नौवां है। अक्टूबर आठवां महीना होना चाहिए। कौन सा है? दसवां है। नवंबर नौवां महीना होना चाहिए। कौन सा है? ग्यारहवां है। दिसंबर दसवां महीना होना चाहिए। कौन सा है? बारहवां है। कितनी अवैज्ञानिक पद्धति है महीने के गणना की, और इसका कोई अर्थ भी नहीं है। जितने भी अंग्रेज विद्वानों से पूछा जाए जनवरी का क्या अर्थ है, फरवरी का क्या अर्थ है, मार्च का क्या अर्थ है, अप्रैल का क्या अर्थ है, ये शब्द के पीछे की कोई गहराई है क्या, इसकी कोई व्याख्या है क्या, कुछ नहीं है। और हमारे यहां हर महीने के नाम का एक विशेष अर्थ है और उसके पीछे एक लंबी व्याख्या है। वो चाहे कार्तिक हो, चाहे भाद्रपद हो, चाहे सावन का महीना हो, श्रावणी हो, कोई भी महीना है, उसके पीछे एक विशेष विश्लेषण है और एक लंबा उसके पीछे आधार है। अगर मैं उस विषय में जाऊंगा बहुत समय खराब हो जाएगा, लेकिन अभी संकेत मात्र में कह रहा हूं कि भारतीय गणना के हिसाब से महीनों के जो नाम तय किए गए हैं ये विशेष अर्थ वाले हैं। अंग्रेजी पद्धति से जो हम नामकरण करते कोई अर्थ ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है उनके बारे में। और वर्षों वर्षों तक आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में झगड़ा होता रहा 25 दिसंबर से नया साल शुरू हो और काफी दिनों तक वो चलता रहा, फिर झगड़े के बाद बदल के 1 जनवरी से नया साल शुरू होना बताया गया। अब 1 जनवरी से उनके यहां नया साल शुरू होता है, उसके पीछे का कारण पूछो, कुछ कारण नहीं मालूम है कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों होता है, 15 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता, 20 को क्यों नहीं हो सकता, या मार्च में क्यों नहीं हो सकता, अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि बहुत लंबा झगड़ा था 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में, वो झगड़ा सुलझ गया, 1 जनवरी कर लिया जाएगा। 25 दिसंबर को तो फिर भी अर्थ उनके यहां समझ में आता है, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 जनवरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता किससे जुड़ा हुआ है। और भारत में अगर हम नए वर्ष की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नए वर्ष मनाने की अलग अलग परंपरा है। जैसे आसाम में नया वर्ष बिहू से शुरू होता है, तो बिहू का कोई गहरा अर्थ है हमारे समाज जीवन में, हमारे राष्ट्र जीवन में। बिहू के पीछे पूरी संस्कृति है और पूरी की पूरी सभ्यता का दर्शन है, इसके लिए बिहू है और उसके साथ नए वर्ष की शुरुआत है। इसी तरह दक्षिण में हम चले जाएं तो मानते हैं कि ये दिन खास है, ये दिन खास है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। अब ये पश्चिम भारत में गुजरात के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है दीपावली वाला, तो दीपावली के अगले दिन से वो नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि व्यापार के हिसाब से वो उनका सारा हिसाब है। तो हर जगह भारत में नया वर्ष है, वो चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आसाम का हो, गुजरात का हो, या हमारे इधर लोहड़ी होती है पंजाब में, लोहड़ी से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो सब जगह कुछ ना कुछ विशेष आधार है और उसके पीछे पूरा दर्शन है। यूरोप और अमेरिका में तो ना कोई आधार है ना कोई दर्शन है, फिर भी हमने नकल करके 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया और इस देश में ऐसा बेहूदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह देश के मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं, रात भर पार्टियां चलती हैं, कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यवचार किया जाता है। वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया। हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के हिसाब से और हमारे देश के जाति समूहों के हिसाब से नए वर्ष के जो गणन थे या जो उनकी गणनाएं थी वो सब हम भूलते चले गए और सब कुछ हम डूबते चले गए विदेश से आए हुए इस दर्शन में। इसी में और मुझे ऐसा लगता है कि हमने भुला दिया कि इस देश की काल गणना पंचांग के हिसाब से जो चलती है वो प्रकृति के हिसाब से है और संपूर्ण वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ भारत में ऐसे महान महर्षि और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने यूरोप से हजार साल पहले कई गणनाएं की थी और वो गणनाएं सारी दुनिया में सत्य सिद्ध हुई। आपको मालूम है सारी दुनिया में कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, ये सबसे पहले किसने बताया? मेरे जैसा कोई भी आदमी जवाब देता है कॉपरनिकस ने बताया। अब कॉपरनिकस अभी हुआ 400 साल पहले दुनिया में,
कॉपरनिकस के जन्म के ठीक 1000 साल पहले भारतीय महर्षियों ने यह पूरी बात बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी के घूमने का जो दर्शन है पूरा, जो उसकी व्यवस्था है, इसी में दिन होता है, इसी में रात होते हैं, दिन इतने समय का होता है, रात इतने समय की होती है, फिर दिन का बंटवारा किया, फिर रात का बंटवारा किया, और वो बंटवारा करते 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 समय को सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाके नाप लिया, और उस नाप को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप लिया, सूर्य से चंद्रमा की दूरी को नाप लिया, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी को नाप लिया, हर दूरी को हमने सौर मंडल में नाप लिया। भारत के महर्षियों ने 1000 साल पहले, कॉपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ उससे ठीक 1000 साल पहले ये भारत के लोगों को पता था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और सारी दुनिया का कि सारी दुनिया में अभी भी यही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि कॉपरनिकस सबसे पहला व्यक्ति था जिसने ये बात बताई कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हुआ क्या, हम डूब गए पश्चिम से आए हुए एक विचार में और सूचना में। हमने अपने जीवन में यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या कॉपरनिकस के पहले भारत में भी ऐसी बात कहने वाले कोई लोग थे या लिखने वाले लोग थे, और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से गणना करने वाले लोग थे इस देश में। तो समय की गणना, काल की गणना, पंचांग की गणना और उसके हिसाब से दिन और रात की गणना, उसके हिसाब से सप्ताह की गणना, ये सब कुछ भारत से निकलकर दुनिया में गया। मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये जो सप्ताह का वर्ण क्रम है, सप्ताह का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, ये सबसे पहले वर्गीकरण भारत में हुआ और उसके बाद यूरोप ने संडे, मंडे, ट्यूसडे इसमें से नकल करके बनाया, और उन्होंने नकल की तो वैसी की वैसी ही कर ली। हमारा रविवार था तो उन्होंने संडे कर लिया, हमारा सोमवार था उसको मूनडे, तो मूनडे को मंडे कर लिया, हमारा मंगलवार था उसको ट्यूसडे कर लिया। उसमें उन्होंने सिर्फ भाषा के स्तर पर अंतर लाया, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, वही है सारा का सारा गणना। और उसके बाद 30 दिन का महीना होगा, और एक 4 साल में एक महीना 28 दिन का होगा, और फिर अगले 4 साल के बाद ही वही महीना आएगा। ये गणना भी सबसे पहले भारत से गई और यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको वैसे का वैसा ही ले लिया। सूर्य की दूरी जो उन्होंने निकाली यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं है 1000 वर्ष पूर्व जो भारतीय महर्षियों ने निकाल के दे दी, 1 इंच का भी अंतर उसमें नहीं है। चंद्रमा की दूरी सूर्य से और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से जो भारतीय महर्षियों ने निकाली कॉपरनिकस से 1000 साल पहले, उसमें भी कोई अंतर नहीं है आज की जो दूरी उन्होंने निकाली है। इसका माने काल गणना में या दूरी की गणना में भारतीय विज्ञान का कोई दुनिया में सानी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं ठहरता। अभी यूरोप ने तो सबसे छोटी जो काल की गणना की है ना, वो सेकंड है, और सेकंड का नैनो सेकंड है, नैनो सेकंड से नीचे उनके यहां काल की कोई गणना नहीं है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत में नैनो सेकंड से भी कम की काल की गणना है, नैनो सेकंड से भी नीचे, वो क्षण है, वो पल है, निमिष है। हमारे वैदिक साहित्य में क्षण का, पल का, निमिष का जो वर्णन है वो नैनो सेकंड से भी नीचे वाले काल में आता है। इतने सूक्ष्म काल की गणना हमारे देश में है। और यूरोप में और अमेरिका में काल की अधिकतम जो गणना है वो बिलियन में है, और बिलियन के बाद ट्रिलियन में है। वो मिलियन पहले शुरू करते हैं, फिर मिलियन के बाद बिलियन शुरू करते हैं, और बिलियन के बाद ट्रिलियन शुरू करते हैं। ट्रिलियन में माना जाता है बिलियंस बिलियन है, माने 1000 बिलियन ट्रिलियन को मानते हैं, और बिलियन में वो मिलियंस के मिलियन को मानते हैं। तो ये गणना उनकी है। लेकिन जब भारत की काल गणना को वैदिक साहित्य में से निकाल कर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दूं, हमारे भारत में कलयुग की बात होती है, द्वापर की बात होती है, त्रेता की बात होती है, सतयुग की बात होती है, ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है,
फिर त्रेता हमारे यहाँ 12,96,000 साल का है और सतयुग हमारे यहाँ 17,28,000 साल का है। ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है, ये 43,20,000 साल का होता है और 71 चतुर्युग का एक मन्वंतर हो जाता है जो 30,67,20,000 साल का होता है। और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है, इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के। और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे हैं। वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है। कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं। तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय और यज्ञ करना इस देश में हजारों वर्षों तक सामान्य लोगों की दिनचर्या में शामिल रहा है। तो हजारों वर्षों तक सामान्य लोग दिनचर्या में संकल्प बोलते रहे हैं, माने काल की गणना करते रहे हैं, क्षेत्र की गणना करते रहे, स्थान की गणना करते रहे। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो स्थान का नाम होता है, क्षेत्र का नाम होता है, राज्य का नाम होता है, फिर देश का नाम होता है, फिर शायद सारी दुनिया में देश का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम होता। तो ये सब कुछ हमारे यहां सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो। अब उस देश में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक सीमित हो जाए सारा समय गणना, या जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका फोर्टनाइट और वीक में सिमट जाए, तो ये बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात है। और ये दर्द और अफसोस शायद इसलिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भारतीय संस्कृति को हमने कोई स्थान देकर विद्यार्थियों को तैयार किया होता तो शायद ये गिरावट हमारे देश में नहीं आई होती। अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा पद्धति आई, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतवासियों को तैयार किया और उनका भारतवासियों को तैयार करने के पीछे एक ही मकसद था कि भारतवासी अंग्रेजी शासन और भारत के गुलाम लोगों के बीच में एजेंट का काम कर सकें, ऐसे कुछ भारतवासी उन्हें तैयार करने थे। इसलिए मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इस देश में लाया और उस शिक्षा पद्धति में से भारतीय संस्कृति को निकाल दिया, सभ्यता को निकाल दिया, हमारे गणित को निकाल दिया, हमारे दर्शन को निकाल दिया, हमारी कला को निकाल दिया, हमारे संगीत को निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और उसके स्थान पर सब कुछ अंग्रेजों वाला भर दिया। और दुर्भाग्य से वो शिक्षा पद्धति 1840 से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है। अंग्रेजों के पहले लगभग 150 साल, अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 63-64 साल, ये शिक्षा पद्धति में से चूंकि हम पढ़कर निकले हैं, आप मैं हम सब, इसलिए हमारी स्मृति में से ये सब निकल गया है जो भारतीय संगीत का या भारतीय कालगणना का या भारतीय शास्त्रों का या भारतीय कलाओं का चरम कभी रहा है, शिखर रहा है, वो हमारी स्मृति में अब है ही नहीं। और चूंकि स्मृति में नहीं है इसलिए आचरण में नहीं है, जीवन में नहीं है। हमारी स्मृति में पिछले 150-250 साल की जो गुलामी में हमने सीखा है वही बैठा हुआ है, वही हमारे आचरण में उतरा हुआ है। तो अब करना यही है कि अपनी स्मृति को बदलना है और भारतीयता को इसमें, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, इन सब चीज़ों को हमारी स्मृति में वापस लाना है और इसी के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में चलाना है। भारत स्वाभिमान का अभियान बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। ये अभियान एक तरफ तो अंग्रेजी व्यवस्था को बदलने की बात करता है, ये अभियान एक तरफ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय कृषि व्यवस्था को, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को, भारतीय कानून व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है, भारत को समृद्धशाली बनाना, भारत को वैभवशाली बनाने की बात एक तरफ ये अभियान करता है, तो दूसरी तरफ ये अभियान ये बात भी करता है कि सांस्कृतिक पतन के जो जो आधार हमारे देश में तैयार हो गए हैं, इन सब आधारों को मिटाना और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फिर उत्कर्ष पर लेकर जाना, हमारे मन और आत्मा को इस अंग्रेजियत और विदेशी की गुलामी से बाहर लाना, हमारे मन और आत्मा को इस अंग्रेजी पकड़ और विदेशी पकड़ से बाहर लाना और भारतीयता की तरफ लेके लगातार इसको लेके जाना, ये दूसरी तरफ बात करता है। बहुआयामी
अभियान है, ये भारत स्वाभिमान का अभियान बहुआयामी है, तो इसलिए हमें भी बहुआयामी अभियान में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो इस अभियान की विशालता को देखते हुए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जितना विशाल, जितना बहुआयामी ये अभियान है, उतने ही विशाल हम हों, उतने ही बहुआयामी हम बने, तब जाकर इस अभियान को हम सफल करा पाएंगे और सारे देश में इस अभियान के स्थान को, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा पाएंगे। तो आप सब भारतवासी इस भारत स्वाभिमान के अभियान में लगें, सफल हों और इस अभियान को सांस्कृतिक सभ्यतागत उच्चता पर ले जाने वाला अभियान बने, एक तरफ समृद्धि और वैभव को बढ़ाने वाला ये अभियान बने, भारत की सारे दुख तकलीफों को दूर करने वाला ये अभियान बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस भारतीयता को अपने जीवन में लाएं और भारत स्वाभिमान को अपने जीवन से शुरू करें। तो सबसे पहला काम करिएगा, भाषा के स्तर पर अपनी गुलामी को छोड़िए, जितना ज़्यादा आप मातृभाषा का उपयोग करें अपने जीवन में और जितना ज्यादा मातृभाषा को बढ़ाएं और फैलाएं अपने जीवन में, उतना ही ये विदेशी भाषा कम होती जाएगी। भाषा का सबसे बड़ा तर्क है कि इसका जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना ज्यादा ये बढ़ती है और जितना कम प्रयोग होगा उतना ये घटती है। अंग्रेजी का प्रयोग अगर आपके जीवन में ज्यादा होता रहेगा तो अंग्रेजी बढ़ेगी और अंग्रेजियत बढ़ेगी, उसके स्थान पर आप मातृभाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो मातृभाषा बढ़ेगी और वो फैलेगी। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको लगे तो आप आज से ही स्वीकार करें कि मातृभाषा को प्रधानता देना शुरू करिए, अपने परिवार में सारे काम मातृभाषा में करिए, बोलचाल के काम मातृभाषा में करिए, पड़ोसियों से बोलचाल के काम मातृभाषा में पूरे करिए, आपको बैंक में जाकर खाता खोलना है तो हस्ताक्षर मातृभाषा में करिए, आपको बैंक का फॉर्म भरना है तो मातृभाषा में भरिए। अभी ये सारी सुविधा भारत में उपलब्ध हो गई है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारा बैंक अकाउंट में तो अंग्रेजी का हमने हस्ताक्षर कर दिया, वो बदल सकते हैं, किसी दिन भी बदला जा सकता है। आप अपने बैंक में जाकर एक निवेदन पत्र देंगे कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं, मैं मातृभाषा में हस्ताक्षर करना चाहता हूं, बैंक आपको उसकी अनुमति देगी और आप उसी दिन से अपने अभियान को शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर बदलिए, अंग्रेजी से हटाकर उसको मातृभाषा में करिए। दूसरा काम, आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए, आप जब पत्र के ऊपर पता लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए, अगर संभव है दूसरे राज्य में पत्र लिख रहे हैं जो आपके राज्य के बाहर है तो राष्ट्रभाषा में लिखिए। राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है, हिंदी में पत्र पढ़ा जाता है और हर जगह भेजा जाता है और पहुंचाया जाता है। अपने राज्य से राज्य में पत्र लिखें तो पता लिखना, पत्र लिखना मातृभाषा में, अपने राज्य से बाहर राज्य वाले में पत्र लिखें तो पता लिखना और पत्र लिखना राष्ट्रभाषा में, यहां से शुरू करिए। घर के बच्चों के नाम मातृभाषा में रखिए, राष्ट्रभाषा में रखिए, ये अंग्रेजी वाले नाम बदल डालिए। और इसके आगे चलें तो आपके जीवन में जहां जहां भाषा के उपयोग की बात आती है आप पूरी कोशिश करिए ईमानदारी से कि आप मातृभाषा में ही लिखें, पढ़ें, बोलें, चिंतन करें, हंसें, गाएं, सपने देखें और उन सपनों को आगे बढ़ाएं। यहां से शुरू करिए। फिर इसी तरह से एक दूसरी शुरुआत करिए कि वस्त्र के स्तर पर, भूषा के स्तर पर भारतीय हो जाइए। अंग्रेजी भूषा को जितना जल्दी छोड़ सकें छोड़ दीजिए। कोट है, पैंट है, टाई है, थ्री पीस सूट है, ये आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने भारतीय परिवेश में आ जाइए, भारतीय परिधान में आ जाइए, लुंगी में आ जाइए, धोती में आ जाइए, कुर्ता आ जाइए, पजामा आ जाइए। कुर्ता पजामा भी थोड़ा भारतीय बहुत तो नहीं है, लेकिन फिर भी टी शर्ट, पैंट, जीन्स और वगैरह वगैरह, उनसे तो थोड़ा ज्यादा ही भारतीय है। तो भूषा के स्तर पर थोड़े भारतीय होने की कोशिश करिए। मोजे और जूते पहनना कम से कम कर दीजिए, कम से कम साल में 15-20 दिन जब बहुत ठंड पड़ती हो तभी पहनिए, बाकी दिन तो खुले हुए चप्पल ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और चप्पलें खरीदिए तो विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति को पूछिए कि ये मरे हुए स्वाभाविक मृत्यु वाले जानवर से बनाया हुआ है, उसके चमड़े का है, या इसको काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का। अगर काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का है, कत्ल करके जानवर के चमड़े से वो बनाया गया, उसको छोड़ दीजिए, उससे अच्छा है जो स्वाभाविक मृत्यु से मरा है उसका पहने, रबर का पहने, लकड़ी का पहने, तो वो तो उपलब्ध ही है सब जगह। इसी तरह से और थोड़ा आगे बढ़ें, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो अंग्रेजी तरीके से मत मनाइए। परम पूजनीय स्वामी जी ने कहा कि मोमबत्ती लगाना फिर उसको फूंक मार के बुझाना, अब बुझाना ही था तो जलाया क्यों उसको, वो तो बुझा ही हुआ था पहले से।
और हमारे यहाँ तो जलता हुआ दीपक बुझाते हैं तो किसी की मृत्यु पे ही होता है, जन्मदिन के समय तो ये नहीं होता। तो ये मोमबत्ती जलाना फिर उसको बुझाना, इस पद्धति से जन्मदिन मत मनाइए। जन्मदिन मनाना है तो दीपक जलाइए, यज्ञ करिए, हवन करिए, ऐसे कुछ अच्छे काम करिए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण को हरा भरा बनाइए। अगर सारे लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि जो दिन जन्मदिन होगा उस दिन हम यज्ञ करेंगे और उसके साथ एक पौधा लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, तो भारत देश में 115 करोड़ लोगों का कभी ना कभी तो जन्मदिन आता ही है, तो 115 करोड़ पेड़ लगेंगे और 115 करोड़ लोग यज्ञ करने लगेंगे। उस यज्ञ करने से जो वायु शुद्ध होगी, जो वायु पवित्र होगी, उसकी वजह से पूरा पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होगा, तो देश का प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। तो यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगवाएं, इस तरह से जन्मदिन मनाएं। विवाह अगर आपके घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, तो माफ करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ब्रास बैंड तो नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको हमला करने के लिए उपयोग किया है। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना के ला रहे हैं। तो आप इस पद्धति से विवाह मत करिए जैसे ब्रास बैंड वाला, और रात के 12 बजे तो विवाह कभी भी मत करिए, दिन में विवाह करिए। सारे शुभ मुहूर्त दिन में भी होते हैं, विवाह के रात में ही नहीं होते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में करना शुरू कर दें। भोजन के स्तर पर कभी भी विदेशी भोजन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, या तो डबल रोटी, पाव रोटी, बिस्किट आदि, इनका बंद करिए उपयोग। अपने देश के भोजन का, स्वदेशी भोजन का उपयोग करिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, गीत संगीत भजन के स्तर पर स्वदेशी जितना बन सके, लोक व्यवहार में जितने स्वदेशी हम हो सकें, हाय हेलो मत करिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करिए। ये तो यूरोप और अमेरिका की समस्या है गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहां कोई भी सुबह अच्छी होती नहीं, इसलिए वो गुड मॉर्निंग करते रहते हैं। वहां तो सूरज निकलता नहीं, 6 महीने तो सूरज दिखाई देता नहीं, जिस दिन गलती से सूरज दिखाई देता गुड मॉर्निंग होती है। अभी हम सब लोग स्कॉटलैंड गए थे, तो हम बस से घूमने जाते थे, तो हमारे बस में घुमाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, संयोग की ऐसी बात थी कि हम जिस दिन पहुंचे उसके अगले ही दिन सूरज निकल आया और खूब चमकता हुआ सूरज निकला। तो उन्होंने वहीं से अपनी बात शुरू की कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये चमकता हुआ सूरज यहां लंदन में दिखाई दे रहा है। मतलब सूरज दिखाई नहीं देता, 6-6 महीने नहीं दिखाई देता, 8-8 महीने नहीं दिखाई देता। इसलिए हर आदमी एक दूसरे को इस बात की भावना प्रेषित करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग माने सूरज का दर्शन हो। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, यहां तो हर दिन सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा, इसलिए यहां गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है। हमारे यहां तो नमस्ते है, ओम है, सुप्रभात है, इतने अच्छे शब्द हैं। और वहां गुड इवनिंग और गुड नाइट भी इसलिए की जाती है, कोई नाइट अच्छी नहीं होती, पता नहीं किस रात को ठंडी हवाएं चल जाएं, किस रात को बर्फ गिर जाए, इसलिए गुड नाइट की बात करते हैं। यहां तो एवरी नाइट इज गुड नाइट, तो हर सुबह अच्छी है और शाम अच्छी है। तो आप ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के चक्कर में मत फंसिए, अंग्रेजों की नकल मत करिए। और ये हाय हेलो तो बहुत ही खराब है, हम तो हाय हाय करके छाती तब पीटते हैं जब कोई मरता है हमारे घर में। यहाँ एक दूसरे को अगर अभिवादन कर रहे हैं तो हाय, वो हाय हाय, मैंने पता नहीं उसका कौन मर गया, हमारा कौन मर गया, ये हाय हाय मत करिए, हेलो मत करिए। अपने पास बहुत अच्छा बहुत सुंदर शब्द है ओम, उसका उच्चारण करिए, फोन पर भी वही बोलिए और मिलते हैं तो आपस में वही बोलिए। तो अपने जीवन से शुरू करिए, आपके जीवन से जब ये छोटी छोटी चीजें शुरू हो जाएंगी और सामने वाला उनको देखेगा तो प्रभावित होगा, फिर वो भी आपके जैसा ही बनेगा। जैसे ही वो आपके जैसा बनना शुरू होगा, वो भी भारत स्वाभिमान में जुड़ता जाएगा। तो आप प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं, परोक्ष रूप से भी करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं। आपके आचरण से किया हुआ एक काम, श्रद्धेय आचार्य जी बार बार एक बात कहते हैं कि हम अगर एक काम करें वो लाखों शब्दों से बड़ा होता है। तो हमारे आचरण में एक चीज हमने उतारी और सामने वाले को वो दिखाई दी, तो हमारे लाखों शब्दों पर वो भारी पड़ेगा, एक छोटा सा काम जो आचरण में उतार कर हम करेंगे। तो ये भारतीयता और स्वदेशीपन आपके आचरण में आ जाए तो अंग्रेजियत और विदेशीपन हमारे समाज व्यवस्था से हमेशा के लिए निकल जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
और हम सब इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और ईश्वर हमको शक्ति देंगे इस काम को करने के लिए, ताकि हम सफल हों, हमारा अभियान ये भारत स्वाभिमान सफल हो। आपका आभार, धन्यवाद। तो अपने जीवन में, चाहे वो वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य हो या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मूल्य, अपने आदर्श, अपने महापुरुषों के चरित्र को ध्यान में रख करके हमको जीवन में आगे बढ़ना है। और हमें ऐसा नहीं कि हम पश्चिम के आदर्शों से घृणा करते हैं, परंतु जब हमारे पूर्वजों के आदर्श इतने महान हैं तो फिर आयातित संस्कृति की आवश्यकता कहाँ। अब जैसे आजकल प्रेम करने के लिए भी हम क्या मनाने लग गए, वैलेंटाइन डे, बिल्कुल बेहुदा मामला। हमारे यहां तो हर दिन प्रेम का होता है, हमारे यहां कोई नफरत का घृणा का दिन ही नहीं होता। और ये वैलेंटाइन डे तो वैसे भी बेहुदे तरीके से मनाते हैं। वैलेंटाइन जो संत था वो तो शादी करवाता था चर्च के माध्यम से। उस समय एक बेवकूफ राजा था, उसका नाम था क्लोडियस। ये बात है 468 की। तो क्लोडियस जो है, उस राजा ने एक अपने राज्य में आदेश पारित कर दिया था कि जो कोई शादी करेगा, शादी केवल राज परिवार के व्यक्ति ही कर सकते हैं, राजाश्रित कर्मचारी ही कर सकते हैं, बाकी शादी ही नहीं कर सकता। ऐसा बेवकूफ राजा था क्लोडियन। अब संत वैलेंटाइन क्या था, वो चर्च में शादी करवाता था तो उसको बाद में फांसी पर लटका दिया। जिस दिन ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कौन सा दिन होता है, 14 फरवरी, पता नहीं कौन सा होता है। अब वैलेंटाइन डे पर क्या करते हैं, नादान, ना समझ, नाबालिक या जैसा भी कहिए, आवारा लड़के और लड़कियां सड़कों पर एक दूसरे से मिलते हैं, पार्कों में एक दूसरे से मिलते हैं। अब वो एक दूसरे को फूल दे देते हैं। अरे तुम वैलेंटाइन संत को मानते हो तो शादी करवा के रहो, ये चोरी छुपे दुराचार पे विचार क्या कर रहे हो। इसलिए जो वैलेंटाइन डे पे मिले इसको बोलो तुम शादी करवा लो, फिर आराम से प्यार करो, ये बेवकूफी का काम क्यों कर रहे हो। तो वैलेंटाइन डे को मामला उल्टा हो गया, पूरे देश पागल हो रहा था। मैंने देखा कोई बुढ़ी बुढ़िया से चला नहीं जाता, ऐसे छड़ी पकड़ के आ रहे हैं और फूल दे रहे, वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपने देखा ऐसे गुड्डा गुड़िया सा ऐसे हाथ में लट्ठी लेके ऐसे ऐसे आते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये इतने बेहुदी बातें लगती हैं, अरे काहे चक्कर में पड़ गए वैलेंटाइन डे मारा। और फिर जो है, जो आवारा लड़के और लड़कियां होते हैं उनको तो आप खूब देख सकते हैं उस दिन। तो जो भी आवारापन करे बोले भाई तू कवारा है तो शादी कर ले, और आवारा है तो बोले तू पुलिस में चल। ये क्या मतलब हुआ, खुलेआम दुराचार और व्यभिचार, आवारापन, ना ना ना। अब वैलेंटाइन डे हमारा भारत स्वाभिमान का कोई कार्यकर्ता नहीं मनाएगा, और जो मनाएगा उसको समझाएंगे भाई वैलेंटाइन ने तो शादी करवाई थी, या तो तुम शादी करवाओ या जो है चुपचाप अपने घर जाओ, पिटाई मत करना किसी की, वो फिर और उल्टा काम हो जाएगा। है किसी माँ बहन बेटी पर हाथ भी नहीं उठाना, नादानी कर रहे तो समझाओ और जबरदस्ती ना ना। फिर मदर्स डे, हमारे यहां तो 365 दिन मां के ही नाम होते हैं। हमारी हर सुबह मां को मात पिता गुरु ना वही माता, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, ये संस्कृति है। तो हमारा तो हर दिन मां के नाम है, हर दिन पिता के नाम है। और यहां आज मदर्स डे है, मम्मी हैप्पी मदर्स डे, और मां भी बड़ी खुश होती, मेरा बेटा कितना अच्छा है। ये मदर्स डे, ये फादर्स डे, 365 दिन माता पिता के सच्चे पुत्र और पुत्रियां होकर के जीना, ये भारतीय संस्कृति है। ये भी गुलामी है। देखो ये मदर्स डे, फादर्स डे,
भाई राजीव जी बोल रहे थे ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, नमस्ते से होती थी हमारी सारे प्रणाम, फिर हमने शुभ रात्रि, उनके यहां तो गुड नाइट इसलिए भी बोलते हैं पता नहीं किस रात को पत्नी छोड़ के भाग जाए। हाँ पता है बोलते वहां तो वेदर वाइफ वर्क कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं है? तो बोले आज आपकी पत्नी सलामत रहे। हम वैसे ही बोलते रहते गुड नाइट, अरे यहां कोई को छोड़ के भागने वाले, यहां तो सात जन्मों तक साथ रहने की प्रतिज्ञा है। फिर संगीत हमारा सामवेद से उत्पन्न हुआ है और उसकी बहुत समृद्ध परंपरा है। संगीत के नाम पर फोहड़पन से हम बचें और अपने संगीत को अपनाएं। इसमें कितने प्रकार के राग छंद, हर एक एक समय, हाँ सुबह के समय का, दोपहर के समय के, रात के समय का, कितने जो है राग रागनिया संगीत, उत्तर का दक्षिण का, और फिर जो है इसके अंदर संगीत की कितने प्रकार की धाराएं हैं राग रागनियों की। हमारे यहाँ पर युद्ध के समय का अलग संगीत होता है, संध्या के समय का अलग संगीत होता है, वर्षा काल का अलग संगीत होता है, मध्यान्ह काल का अलग संगीत होता है। उस समृद्ध अपनी संगीत परंपरा को प्रोत्साहन दे, हम नृत्य को प्रोत्साहन दे। फिर भाषा में देखो संतुलन रखने की जरूरत है हमको, देखो याद रखना, और सारे देश में इस बात को हमें प्रतिष्ठापित करना है, हमें अपनी जो प्रांतीय भाषाएं मातृभाषाएं हैं हमारी उनको पूरा महत्व देना है, लेकिन संपूर्ण भारत को जोड़ने के लिए राष्ट्रभाषा को भी हमको उतना ही महत्व देना है, इसको कभी नहीं भूलना है। आज अंग्रेजी का मुझे अफसोस है इस बात का, अंग्रेजी में कहीं कोई शपथ लेता है तो विरोध नहीं होता। आगे हम एक अभियान चलाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का मंत्री यदि अंग्रेजी में बोलेगा तो उस वहां आंदोलन करेंगे। क्यों अंग्रेजी में बोल रहे हो? तुमको अंग्रेजी इतनी प्यारी है तो वहीं जाकर के बसो। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अंग्रेजी में व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो भारत में रहते हैं उनको भारत में व्यवहार करना चाहिए, इसके ऊपर कोई आंदोलन नहीं होता। राष्ट्रभाषा उसका हमें महत्व तो इसलिए देना होगा, पूरे देश को जोड़ना है। अंग्रेजी की क्यों गुलामी करें? अरे अंग्रेजी को बोलते हैं अंग्रेजी जो है वो देश को जोड़ेगी, अंग्रेजी ने देश को जोड़ा नहीं, अंग्रेजी ने देश को तोड़ा और अंग्रेजों ने देश को लूटा और गुलाम बनाया, हमारे क्या क्या अनर्थ किए। इसलिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और हमारी संस्कृति की भाषा संस्कृत, इन तीन भाषाओं में हमें संतुलन रखना है। और विदेशों से व्यवहार करने के लिए और व्यापार करने के लिए हमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जापानीज, तमाम जो भाषाएं हैं, चाइनीज, उन सब का हम सम्मान करते हैं। तो विदेशों से व्यापार और व्यवहार करने के लिए विदेशी भाषा उतना ठीक है। अपने देश में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को समृद्ध बनाने के लिए और संस्कृति के बोध के लिए संस्कृत भाषा। तो हमारे यहां पर ये चार, पहले त्रिभाषा फार्मूला था, हम उसको कहेंगे चार भाषा फार्मूले पर हम लोग काम करना चाहेंगे। सबसे पहले राष्ट्रभाषा सारे देश को जोड़ने के लिए, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने प्रांतों में मातृभाषा, और एक संस्कृति, एक संस्कृति पूरे देश में रही, इसलिए संस्कृत भाषा, और विदेशों से व्यवहार करने के लिए विदेशी भाषा। तो ये हम उसको ये क्यों बोले कि अंग्रेजी भाषा, विदेशी भाषा, विदेशी भाषाओं में कई भाषाओं का हमको ज्ञान होना चाहिए। तो ये चार सूत्री भाषा का कार्यक्रम हमारा होना चाहिए। हमारे यहां पर एक बहुत गलत परंपरा शुरू की हमारे कुछ चरित्रहीन नेताओं ने कि हमारी सोशल लाइफ अलग है, हमारी प्राइवेट लाइफ अलग है, हमारी पॉलिटिकल लाइफ अलग है, हमारी प्राइवेट लाइफ अलग है, और एक और चीज खड़ी कर दी, बालिग और नाबालिग। बालिग होने के बाद दारू पियो, दुराचार करो, व्यभिचार करो, सिगरेट पियो, कुछ भी करो, बालिग होने के बाद में कोई भी काम कर दो, अरे बालिग होने के बाद तो और अच्छे काम करने चाहिए। नाबालिगों के ऊपर भारत में सारे नियम लागू हैं, बालिग होने के बाद में कोई नियम लागू नहीं, कोई मर्यादा लागू नहीं, जो जिसके मर्जी में है सो करो। हमें यह अंतर भी खत्म करना है, हम जो बच्चों से अपेक्षा करते हैं वो बड़ों को व्यवहार करना है, यह हमारी संस्कृति।
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जना सयत प्रमाणम करते लोकस्तदनु वर्तते। ये हमारी संस्कृति है। बालिक और नाबालिक कानून बन गया, ये यूरोप की नकल पे बना। हमारे यहां पर शराब जो है अवैध था, नशा करना अवैध था। पहली शराब की दुकान कब खुली? भारत में सबसे पहली शराब की दुकान कोलकाता में खुली, एक अंग्रेज अधिकारी ने खुलवाई, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव आप जानते हैं, 1757 में इसने प्लासी के युद्ध में चालाकी से जीत कर बंगाल पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद पहली शराब की दुकान 1760 में खुली कोलकाता में, और वो रॉबर्ट क्लाइव के पैसों से खुली थी। उसके बाद धीरे धीरे पूरे बंगाल में 350 से ज़्यादा शराब की दुकानें खोली गईं, और आज हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शराब की दुकानें। और कत्ल खाना भी 1760 के आसपास की शुरुआत। वही हमारे यहाँ पर पशु वध करना पाप समझा जाता था। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक पतन है। हमारे यहाँ पर 1760 से पहले शराब बेचना कानूनन अपराध होता था, धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से अपराध माना जाता था। पशुओं की हत्या करना, कत्ल खाने खोलना, ये तो और महापाप समझाता था। उसको मतलब बहुत ज्यादा गंदा काम मानते थे, कोई पशुओं को कत्ल करे उसको बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसको चांडाल और पता नहीं कैसे कैसे नाम दिया करते थे, चांडाल लोग ये काम किया करते थे। अब तो बहुत शर्म आती है कत्ल खाने। और अब तो एक वो नाबार्ड बैंक के कुछ अधिकारी मुझसे मिले, शीर्ष अधिकारी, उन्होंने बोले स्वामी जी गवर्नमेंट अब सब्सिडी दे रही है कि जितने कत्ल खाने खोलोगे उतना ही तुम्हें सब्सिडी मिलेगी, उसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। खैर, तो ये नशा और ये कत्ल खाना, ये दोनों के दोनों हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। ये बालिग और नाबालिग के नाम पर जो है पूरे देश के अंदर दोहरे चरित्र, और माँ बाप को घर से बाहर निकाल देना और बोले इनको ओल्ड हाउस में छोड़ा हो, वृद्धाश्रम हमारी सरकार बना रही है। अब कानून ही बनाते तो बच्चे अपने माता पिता की सेवा घर में करने के लिए बाध्य हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। पूरे देश में हमने ओल्ड हाउसेज, एक बहुत घटिया संस्कृति, इसको हमें खत्म करना है। लेदर का तो जूते चप्पल कोई भी आप ये आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते समय यज्ञ में उतरवा देते हैं लेदर का ये सामान। क्यों? कि वो गाय की चमड़ी सबसे पतली होती है, और जिंदे गाय को और बछड़े को, और इतना ही नहीं जो प्रेग्नेंट गाय होती है उसको, उसके ऊपर उबला हुआ पानी डाला जाता है, तो उसका जो बच्चा निकाला आता है फिर उसको उबले हुए पानी में डाल दिया जाता है, उससे ये महंगे से महंगा लेदर तैयार होता है। तो ये लेदर का प्रयोग तो पर्स के रूप में हो, चाहे सीट कवर के रूप में हो, चाहे वह जूते आदि के रूप, चप्पल आदि के रूप में हो, लेदर का प्रयोग तो आज से संकल्प लेकर के जाएंगे कभी हम नहीं करेंगे जिंदगी में, आपका संकल्प होना चाहिए। बहुत बहुत घटिया काम है, बहुत ज्यादा इससे महापाप होता है। इससे टाई पहनने से ग्लूकोमा होता है, आंखों की नजर कमजोर पड़ती है और काला मोतिया होता है, यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसलिए टाई गले में फंसी लगाए फिरते रहेंगे, जोर से खींच दे तो आदमी सीधा ही ऊपर जाए। हमारी पहचान क्या थी? शिखा सूत्र, यज्ञों पवित और चोटी, जनेऊ और चोटी, ये हमारी पहचान थी। चोटी तो अब तो पहले किसी को चोटी रखो ना तो उस शान से चला करता था, और आजकल सबके सिर से चोटी गायब होगी। बस बोले जी नाई ने काट दी थी, फिर तेरे को पूरे को भी काट देगा कल को, नाई ने काट दी थी, बाल बनाने वाले ने काट दी थी। शिखा ये जो पवित, जैसे तिरंगा देश का सम्मान का प्रतीक है, ऐसे ये तीन सूत्र हमारी संस्कृति के सम्मान के प्रतीक हैं। हर एक के गले में जो जनेऊ होती थी, नहीं गड़बड़ हो गई। तो सिर पे चोटी, इसके बहुत मायने हैं, बहुत लंबा विषय है। गले में जनेऊ, दो चार बातें छोटी छोटी हैं। पश्चिम में सैर सपाटा संगीत मनोरंजन किसके लिए होता है? भूलने के लिए। हमारे यहां पर तीर्थाटन, सैर, संगीत, मनोरंजन सीखने के लिए, वहां मजा अय्याशी के लिए होती है सैर सपाटा। हमारे यहां पर तप के लिए तीर्थ किए जाते हैं,
ये मूलभूत अंतर है अपनी संस्कृति का। हमारी संस्कृति हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, इसलिए हम पाप से करने से डरते हैं कि पहले जो किया आज हम मनुष्य बने, आज अच्छा करेंगे कल को अच्छा जन्म मिलेगा, इसलिए पाप नहीं करेंगे, ये अपनी मान्यताओं को मानना। अंत में एक ही बात जो भाई राजीव बार बार कह रहे थे कि भाई मैदा वाली चीजों से बचो, मैदा वाली चीजें आपके पेट में अंदर जाके जम जाती हैं, बासी भोजन मैदा वाले भोजन से बचो, ताजा खाओ ताजा रहोगे, बासी खाओगे बीमार रहोगे। ये भी छोटी सी बात लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आम का अचार तो कभी मत खाना, है सबसे बेकार घटिया अचार है। अपनी संस्कृति का एक ही स्लोगन है जो याद करके जाना, सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा। हमने अपने विश्वविद्यालय के स्लोगन में इसी वेद की ऋचा को लिखवाया है, हम विश्व के प्रथम संस्कृति के संवाहक हैं, और हम विश्व के प्रथम संस्कृति के संवाहक होकर के और विदेशी संस्कृतियों का अंधानुकरण करें तो शर्म और अपमान की बात है। तो आओ अपनी संस्कृति को स्वयं आत्मसात करो, और पूरे विश्व में जो वैज्ञानिक संस्कृति है हमारी, सार्वभौमिक संस्कृति है हमारी, हमारे हर एक क्रिया के पीछे वैज्ञानिक कारण है, हमने उसको ऐसे नहीं शुरू कर दिया है। तो अपनी यह सार्वभौमिक और वैज्ञानिक संस्कृति विश्व की संस्कृति बने, ऐसा हम संकल्प करेंगे। बोले भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की। जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तः पुरन्धर्यो शाजिष्णो रथेष्ठाः सभीयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से कृषि प्रधान देश रहा है, हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, खेती से जुड़े हुए थे। यूं तो हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय कानून के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। जब पूरी दुनिया के लोग उठना बैठना खाना पीना भी नहीं जानते थे, उस समय हमारे यहां पर शिक्षा व्यवस्था शिखर पर थी। और यूं दुनिया का इतिहास देखें तो पूरी दुनिया का इतिहास 2 से 3 हजार वर्षों के भीतर समिट जाता है। हमारी भारत की संस्कृति 1,96,08,53,109 वर्ष पुरानी है, करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना हमारा गौरवशाली
वैभवशाली स्वर्णिम अतीत है। तो यही नहीं कि हम अपने स्वर्णिम अतीत के बारे में सोच सोच के गौरवान्वित होते रहे और वर्तमान में हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज भी हमारे पास में वह सब कुछ देने के लिए जो दुनिया के पास नहीं है, उसमें योग पूरी दुनिया को भारतीय ऋषि मुनियों का योगदान है। विशुद्ध रूप से योग भारतीय ऋषि मुनियों की देन है पूरी दुनिया को। अब बात कृषि की करते हैं। विषय मुक्त कृषि से समृद्ध किसान और स्वस्थ भारत का निर्माण, यह एक बहुत बड़ी संकल्पना है, इसकी हम बात कर रहे हैं। आज हम बीमार हो गए, क्यों हो गए, कभी सोचा आपने? मैंने माना कि बीमारियों के मुख्य 10-11 कारण हैं। उन 10-11 कारणों में जिसमें जीन्स कारण है, माता पिता का गर्भ से लेकर के गोद तक व्यवहार, पूरा इन्वायरमेंट और भौतिक और भावनात्मक वातावरण, फिर उसके साथ साथ हमारे रोग रोगों के कारण हैं, रोगों के कारणों की एक लंबी श्रृंखला है, संक्रमण रोग के कारण है, आहार रोग का कारण है, विचार रोग का कारण है, व्यवहार रोग का कारण है, कम व्यायाम कम नींद आना ये रोग का कारण है, असंयम रोग का कारण है, डिफरेंट रेडिएशंस जो मिल रहे हैं वो रोग का कारण है। मैंने भौतिक और भावनात्मक वातावरण की बात की तो ग्लोबल वार्मिंग रोग का कारण है, सब कारण। इनमें मुख्य कारण क्या है? आहार। देखो, यदि हमें प्राणवायु शुद्ध मिल जाए और आहार शुद्ध मिल जाए तो बाकी चीजों को तो हम नियंत्रित कर लेंगे। बस दो चीजें हमको ठीक से मिलनी चाहिए और बाकी विकृतियों को हम प्राणायाम से ठीक कर लेंगे, लेकिन शुद्ध हवा तो मिले और आहार ठीक मिले। आहार गलत मिलेगा तो आहार से हमारे हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है, उसी से आयरन मिलता है, उसी से प्रोटीन मिलता है, उसी से न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तमाम तरह के विटामिन, सब कुछ आहार से मिलता है। आहार से ही ये शरीर बना है और बनने के बाद ऑक्सीजन से प्राण से जीवित रहता है। आज ये गड़बड़ हो गए, वायु तो गंदी हो ही रही है, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, हमको वृक्षारोपण करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो शरीर में हम खाना खाते हैं ना, ये शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यदि आहार ठीक होना व्यक्ति का तो वो 99% बीमारियों से बच सकता है। और आप इसका थोड़ा सा पीछे जाकर के अध्ययन कीजिए, आज से थोड़ा 30-40 साल पहले चले जाइए, 40 साल पहले अपने गांव में जाइए। आप में से बहुत से लोग गांव के होंगे, मैं खुद गांव में पैदा हुआ, मैंने अपने गांव में देखा, जिस गांव में मैं पैदा हुआ मैंने देखा उस गांव में एक भी व्यक्ति को हाई बीपी नहीं था, उच्च रक्तचाप नहीं था। लोगों की उम्र हुआ करती थी 90 साल, 100 साल, 110 साल, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, शुगर। जिस गांव में मैं पैदा हुआ पता लगा कि उस समय गांव में एक व्यक्ति को शुगर थी, मुझे याद है, कहते थे भाई इसको शुगर हो गई। गांव में एक व्यक्ति को शुगर थी, बाकी कोई बीमारी मैंने गांव में वैसी खांस नहीं देखी थी, कि थोड़ा जोड़ों में दर्द हो गया, थोड़ा खांसी हो गई, ये बुखार हो गया, ये कोई बीमारियां नहीं, लेकिन थायराइड की बीमारी नहीं देखी। बोले जी आपको क्या पता थायराइड की बीमारी थी ही नहीं, हम गांव में देखते थे। थायराइड की बीमारी कारण से आंखें बाहर आ जाती हैं, थायराइड के कारण से मोटे होने लग जाते हैं, थायराइड के कारण से किसी किसी का वजन घट जाता है, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस तो दिखते। बोले जी मेडिकल चेकअप नहीं करवाते होंगे उस समय, अरे वो बीमारी नहीं होते थे, 18-18 घंटा खेतों में काम करते थे, किसी भी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी व्यक्ति को हाई बीपी नहीं था, किसी भी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भूल से किसी व्यक्ति को ढूंढने से किसी को पता लगता था शुगर थी, कैंसर का तो प्रश्न ही नहीं। तो ये कहां से आ गई सारी बीमारियां एकदम से, इन पिछले 30-40 सालों में कहां से पैदा होगी सारी बीमारियां? हमारे खेतों में हमने जहर भर दिया। जो धरती की कोख में डालोगे वो पेट में आएगा, जो मिट्टी में डालोगे वो शाक सब्जियां बनकर के आएगा, जो मिट्टी में डाला हमने बीज या तो फल होगा, शाक सब्जियां होंगी, या अनाज होगा, या जो है मान लीजिए वस्त्र के रूप में हमने कपास आदि बोया तो कपास के बीज को
गाय भैंस खाएगी, उसका दूध आएगा हमारे शरीर में, और उससे कपास से कपड़ा बनेगा, वो भी हमारे शरीर पे आएगा। जो भी हम खेत में डालते, खेत में घास बोते हैं तो बोलो घास थोड़ी खाते बाबा जी, हम घास भी हमारे शरीर में आता है। घास गाय भैंस खाती है, वो दूध देती है, वो हमारे शरीर में आता है। जो खेत में पैदा होता है, कुछ ठीक है, फर्नीचर जो है के रूप में प्रयोग होता है, जिन लकड़ियों का, उनको छोड़ दीजिए, जिनके हम कपाट आदि बनाते हैं, कुर्सी आदि बनाते हैं, तख्त आदि बनाते हैं, वो छोड़ दीजिए, वो भी आना है हमारे पास। जो खेत में पैदा होगा वो हमारे पास आएगा। हमारे खेत सुरक्षित नहीं है तो पेट सुरक्षित नहीं है तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, इसका गंभीरता से सोचो कि इतनी बीमारियां क्यों पैदा हो रही है। तो हमारे देश में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, माने रासायनिक, ये जहरीले खाद, विषैले खाद जो मौत की पर्याय है, और जहरीले कीटनाशक, वो सब खेत के माध्यम से हमारे पेट तक आते हैं। एक एक आदमी का कैलकुलेट करो तो एक एक दिन कितना जाता है, फिर साल भर में कितना जाता है, वो किलों के हिसाब से जाएगा। मैं भाई राजीव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आपके बीच में विषम मुक्त कृषि, समृद्ध किसान, स्वस्थ भारत का कैसे होगा निर्माण, एक बहुत बड़ी संकल्पना है, और इस संकल्पना को हमें आगे बढ़ाना है। हमारी कृषि व्यवस्था कितनी उन्नत थी और किस तरह से हमने अपनी कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, जहरीला बना दिया, और उसका परिणाम हम खुद ही भोग रहे हैं। इस विषय में आज आपसे बात करेंगे और किस तरह से हम अपने खेतों को सुरक्षित रखें, अपने पेट को सुरक्षित रखें, हम खुद को सुरक्षित रखें, एक बहुत बड़ी संकल्पना है। इसके लिए हमने एक विस्तृत कार्य योजना भी बनाई है। प्रथम चरण में हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे विषम मुक्त खेती के लिए, और उनके वो उत्पाद जो अपने खेत में पैदा करते हैं, वो शाक सब्जियां, वो उनके अनाज हम खुद खरीदेंगे, और कुछ तो ऐसे अनाज जिनका की कीमत नहीं मिल पाती थी बाजार में, चाहे वो चौलाई हो, चाहे जवार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मकई हो, इनकी कीमत नहीं मिल पाती भारत के किसान को। कई समस्याएं किसान की, किसान के खेत को पानी नहीं, 40% वह भी पूर्ण रूप से सिंचित नहीं है, वह भी आंशिक रूप से सिंचित है, सिंचाई का पानी हर खेत को मिलता ही नहीं है, बिजली पानी निकालने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है वो भी नहीं मिलती है, बीज अच्छे नहीं मिलते हैं, फिर खाद अच्छा नहीं मिलता है, फिर जो है कीटनाशक अच्छे नहीं मिलते हैं, कैसे किसान जी पाएगा। किसान के साथ जुड़ी हुई है, फिर हम किसान के साथ जुड़ा हमारा पशुधन, वो पूरी की पूरी संकल्पना ही ऐसी हो गई, और आज हमने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई ना तो कल को मंजर बहुत खतरनाक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी संकल्पना है, और किस तरह से हमें इसको अलग अलग चरणों में पूरा करना होगा, इसके लिए कुछ तो सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए नीतिगत निर्णय लेने पड़ते हैं कि हमें पूरे देश के लोगों को क्या उपलब्ध कराना है, खाद के रूप में, कीटनाशकों के रूप में, बीज के रूप में, ये नीतिगत निर्णय। देश के किसानों को जल कैसे पूरा सुलभ हो पाएगा, कुछ इसमें जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बहुत कुछ हमारे नीतिगत निर्णय भी इसको प्रभावित करते हैं। तो सारी चीजों के पीछे मैंने कहा किसी भी देश की व्यवस्थाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार वहां की नीतियां हैं, वहां की व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम कृषि व्यवस्था के बारे में और कृषि से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, चाहे मूल्य के निर्धारण की बात हो, चाहे उपज पैदा होने के बाद में उसके संरक्षण की बात हो, आज करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो किसान जो खेत में पैदा करता है, वो उसके टमाटर, वो उसकी साग सब्जियां, वो सड़ जाती है, कोई सुरक्षा का उपाय ही नहीं। ये व्यवस्था एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सामूहिक व्यवस्था, कितना बड़ा जो है इसके पीछे एक षड्यंत्र आप सोच सकते हैं, कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, माने करीब जो है जो
आंकड़े उपलब्ध होते हैं, आंकड़े उन्हीं चीजों के उपलब्ध होते हैं जो सरकार के यहाँ जो है फाइल जो है एक एक कंपनी कि उसने कितना टर्नओवर किया, जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके अनुसार आंकड़े बनते हैं। तो जन्म नंबर एक में जितना खाद और कीटनाशक बिकते हैं वो करीब 5 लाख करोड़ रुपए के करीब है, 5 लाख करोड़ रुपए। बोलते हैं जी ये किसानों को ना समृद्ध बनाने का प्रयास चल रहा है, किसानों को लूटने का प्रयास चल रहा है, और दूसरी तरफ उनके पशुओं को मारा जा रहा है, गायें भैंस आदि, वो भी जो है करोड़ों की संख्या में, 4 करोड़ से ज्यादा। ये पूरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत से ऐसे मुद्दे जिनके बारे में समझ देश में पैदा करने की जरूरत है। आखिर किस तरह से षड्यंत्र हो रहा है हमारे खेत के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, और अब तो जीएम फूड को अनुमति देकर के इस सारे, ये एक ऐसी मन का श्रृंखला है, अंतहीन यात्रा जो हमें मौत की ओर लेकर के जाती है, बीमारियों की ओर लेकर के जाती है। बहुत खतरनाक खेल देश में खेला जा रहा है। तो ये किस तरह का खतरनाक खेल है वो सारा का सारा षड्यंत्र, और उसका हम पर्दाफाश करेंगे और देश के लोगों को जगाएंगे कि उठो जागो, अपने खेतों को पवित्र बनाओ, धरती माता की कोख में जहर मत डालो।